बाहर बाहर जाने दे, बाहर बाहर जाने दे। उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु,
और मिलाने वाले युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंचे लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। कितना बड़ा धोखा है ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा। और इस धोखे की पूर्ति आप रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं कर सकते। और इसी धोखे ने आप सबको गुरु से विश्वास हटा दिया, गुरु के वचनों वालों से विश्वास हटा दिया, गुरु की दया से विश्वास हटा दिया। इसी का परिणाम है कि सब दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं, तुम्हारी कोई समान सुरक्षा करने वाला नहीं। तो बड़ा विचारी विषय है लेकिन बिना संत महापुरुषों के वचनों के आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते और किसी मुसीबत बीमारी से आप बच नहीं सकते। ये दोनों चीजें सत्य। ये अवसर मिला है ऐसे समृद्ध महापुरुष की दया पाने लेने का, जिन्होंने ये नाम का खजाना नाम की कमाई करके इकट्ठा किया लेकिन उन्होंने बांटा नहीं। जिनको बांटने का अधिकार दिया उन्होंने इतना लुटाया कि जिसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता। इस धरती पर उस विलक्षण महापुरुष की पहली पहचान कि लाउड स्पीकर लगाकर किसी ने नाम धन लुटाया नहीं है, यही सबसे बड़ी पहचान है। अब तो बाद में नकल तो बहुत कर रहे हैं लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। यहीं से उनकी दया पाने की शुरुआत प्रारंभ होती। और हमने आपने उस धन को लूटा भी लेकिन लूट के सामान के रख नहीं पाए, उसकी कीमत नहीं समझ पाए और उससे कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। आपने कितना बड़ा अपना परमार्थी नुकसान किया और अभी तुम्हारे अंदर कोई इस पर विचार नहीं। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को आप सुनोगे नहीं तब तक परमार्थी जगत पर कोई चल ही नहीं सकता, कोई ठहर नहीं रुक नहीं सकता और कोई दया पाने का पूरा अधिकारी बन नहीं सकता। तो इसलिए आज ये पहला दिन है जो महापुरुष ने नामधन की कमाई करके खजाना इकट्ठा किया लेकिन उन्होंने लुटाया नहीं। जिनको लुटाने का अधिकार दिया उन्होंने इतना लुटाया कि हम आप लूटे लेकिन उसको सुरक्षित रख नहीं पाए। लूटना तो सरल है लेकिन उसको रखना और रख करके अपना काम बना लेना ये कठिन। और इसी कठिनता ने तुमको ऐसी स्थिति परिस्थिति में लाके डाल दिया है कि अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है नकल क्या है। अगर इन बातों को समझ लेते जो जितना समझाने में समय ये समृद्ध महापुरुष ने खर्च किया, ये भूमंडल पर किसी का ऐसा इतिहास नहीं है। और आपने उनको बना गुरु बनाया लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता, क्योंकि आपने प्रारंभिक संदेश नहीं सुना जो 10 जुलाई 1952 को प्रसारित किया गया। कहा था मैं असंख्य शक्तियों के साथ आया हूँ, किस शक्ति से कौन सा काम लूंगा, कौन शक्ति कौन सा काम करेगा, फिर उस शक्ति का कैसा इतिहास बनेगा, फिर वैसी कैसी पूजा होगी। अगर इस बात को आप ध्यान में रखें तो आप भ्रमित रहेंगे।
आपको इंसान इंसान की शक्ल उसकी जात पात नहीं देखनी है, आपको संदेश देखना है। इस संदेश सत्य देश का है कि नहीं, ये आज आपको कितनी बार बताया गया, सब घर भीतर साई और सुनी से न कोई, वाघर धर्म सरायो जागत प्रगट, सब घट में मेरी जीवात्मा मौजूद है, लेकिन जिस घट से मेरा संदेश प्रसारित होता है वो घट मेरा ही घट, वो घट खास खुदा का। अगर इन बच्चों को आपने पकड़ लिया होता तो शंका संदेह भूल भ्रम से आप यानी दूर हो जाते और सच्चाई को पकड़ लेते। जब असंख्य असंख्य शक्तियों के साथ जो कलयुग का परिवर्तन होगा, जो कलयुग का इतिहास बनेगा, वो असंख्य शक्तियों के द्वारा बनेगा। जैसे कहा जब भगवान राम त्रेता के परिवर्तन के लिए आए तो 16 कला से आए, और कृष्ण द्वापर के परिवर्तन के लिए आए तो 64 कलाओं से आया, लेकिन जो कलयुग का परिवर्तन करने आया है वो सम्राट मालिक असंख्य कलाओं से आया है। जब वो चलते हैं अपने मंडल से पीठ के मंडलों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में लेके आते हैं। कहा था कुछ बच्चे स्कूल का यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के निकल आए हैं। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर वो सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर मैं उनको काम दूंगा। जब वो काम करेंगे तभी नाम होगा, तभी इतिहास बनेगा, तभी उनकी पूजा होगी, तभी लोग उनका गुणानुवाद करेंगे। अगर इस बात को आपने समझ लिया होता तो आपको शंका नहीं होती, आपको किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, क्योंकि जो मनुष्य बोल पर शक्ति आएगी तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेगी, कोई न कोई गांव, कोई न कोई जिला, कोई न कोई माँ बाप, कोई न कोई जाति तो होगी, लेकिन वो इसमें सीमित नहीं रहते। वो इसीलिए उनको समदर्शी, सर्वदेशी, सर्वहितैषी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी शब्दों से विभूषित किया गया। आप तो किसी चीज को समझते नहीं, कितना समय निकल गया समझाने में जगाने में। 4 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा का समय और ये 9 वर्ष मैंने लीला का आपके सामने खोल के रखा। सारे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने 9 वर्ष पूरा संदेश दिया, और सतगुरु के वचनों का कि मैंने पुनरावृत्ति की, ना अपने मान सम्मान का प्रचार, ना अपनी जाति का प्रचार, ना अपने नाम का प्रचार, क्योंकि शरीर का कोई ना कोई नाम तो रख ही दिया जाता, लेकिन वो शरीर का नाम है, वो काम का नाम नहीं है। काम का नाम अलग होता है, शरीर का नाम अलग होता है, लेकिन ना तुम नाम काम के नाम को जानते हो, और उसी में आप फंस गए। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा है, गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म को ठाओ, ये भली बुरी जाने नहीं ले पुरानो नाम। का ये क्या जानते, ये काम के नाम को नहीं जानते। जो काम होता है वही असली नाम होता है, उसी नाम को आगे लोग जानते हैं, उसी नाम का इतिहास बनता है, लोग उसी नाम से उनको पुकारने लगते हैं। आज आप जय गुरुदेव नाम से प्रचार करते हो तो दुनिया के लोग तुमको जय गुरुदेव कहते हैं, किधर भाई जय गुरुदेव आ गए, या कहेंगे जय गुरुदेव वाला आ गया, तुम्हारा बाप का रखा नाम नहीं लेते, तुम्हारी जाति का प्रचार नहीं सुनते, ना वो लेते हैं, तो तुम इस बात को समझते ही नहीं। अगर समझ लो तो सारी शंकाओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। कहा था जो मेरा काम करेगा वो मेरा वाला सम्मान पाएगा, वो मेरा ही होगा, वो मनुष्य पोल मेरा ही पोल है, मैं उसी पोल से अपना संदेश प्रसारित कर दूंगा। लेकिन बात तो आपकी समझ में कुछ नहीं है, कितने दिन निकल गए, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां, एक तो जीवन सब चला ही गया, किसी का सत्तर गया,
75 गया, 76 गया, 80 गया, अब कितना बचा आपका? ये शरीर में रहने का, परिवार में उलझने का, लोगों के वाद विवादों में फंसने का तुम्हारा कितना समय रह गया? तुम्हारा निशाना अभी पक्का नहीं है। अगर गुरु के निशाने पर खड़े हो जाओ या गुरु के शब्दों का और वादों का अपना निशाना बना लो तो दुनिया के लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं बता सकता। कोई ऐसा विद्वान पैदा ही धरती पर नहीं हुआ जो तुमको बहका दे, क्योंकि तुमको जो आध्यात्मिक संदेश मिला है वो किसी को नहीं मिला और किसी ने काम किया भी। सारे मिलके इधर उधर हो रहे लेकिन आपका ये बराबर बरकरार दिनों दिन बढ़ता चला जा। ये तो आज शुरुआत है, पूजन तो 12 बजे 12 तारीख 12:05 तक महापुरुष के लिए धाम जाने की तारीख है, वो पुण्य पवित्र पावन तारीख है। उसी तारीख को हम लोग अपना जीवन का उत्सव मनाते हैं। ये जीवन रक्षक है जिन्होंने जीवों की रक्षा के लिए ये नाम का खजाना कमाया और कमा कर लुटाया नहीं, लुटाने का आदेश दे दिया। इसको लुटा देना, रखना मत अपने पास, बचा के मत रखना, ये सब को दे देना। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, ये आगे मत इतना प्रसारित होगा कि विश्व के सारे लोग इसको स्वीकार करेंगे। ये ऐसा संत मत है, तो बात तो आप समझते नहीं हो। कहा था मैं वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो रामकृष्ण ने देखा ही नहीं था, समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं और कर भी नहीं पाए। वो देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आए और मार काट हिंसा करके परिवर्तन किया, आज उनका नाम लिया जा रहा। लेकिन लोग मारे डर डर और भय के पूजा कर रहे, क्योंकि वो मार काट का परिवर्तन। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा, कोई मार काट नहीं, कोई अपमानित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज नहीं की जाएगी और सबको यानी वरीयता दी जाएगी, सबको सम्मान दिया जाएगा, सबको रोजी और रोटी की व्यवस्था होगी। ऐसा वो समय परिवर्तन का अनोखा होगा, क्योंकि आपके पास गुरु का इतिहास, संत का इतिहास, सदगुरु का इतिहास है। लेकिन ये अनामी महाप्रभु है, अभी तक आपने ये जाना नहीं ये शक्ति क्या है। लोग गुरु संत सदगुरु तक सीमित है, लेकिन जो काम गुरु शब्द ने, संत शब्द ने, सदगुरु शब्द ने नहीं किया, वो काम ये अनामी महाप्रभु प्रभु नाम के द्वारा उस काम को कराएंगे और आपका इतिहास बनाएंगे। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया उसी को कहते हो मर के चलेंगे, उसी को तुम कह रहे हो मर के चलेंगे। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया, तुम्हें जन्म मरण से छुटकारा दिलाने तुम्हारी जीवात्मा को आया और घर पहुंचाने आया, उसी को कहते हो मर के चलेंगे। फिर ये काम धरती पर और कोई कर सकता है? बड़ा विचारणीय विषय है। आपको कितना अवसर दिया गया सोचने समझने का, लेकिन आपने तो कोई काम ही नहीं किया और अभी तुम्हारे काम करने की कोई भूमिका भी नहीं है। अभी तुम्हारी सब भूमिका स्वार्थ मान सम्मान से जुड़ी हुई है और इनसे अलग हो। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। कहा ये सब कर्जा ही है, ये भी आपको भुगतान करना पड़ेगा। अभी इससे तुम दूर नहीं हो पाए हो, कोई न कोई तुम्हारा स्वार्थ अभी इस परमार्थ से जुड़ा हुआ। परमार्थ अलग है, स्वार्थ अलग। कितना आपको बताया जाए, कितना समझाया जाए नैमिषारण्य की तपोभूमि पर, यानी मतलब परमार्थ कराया गया, परमार्थ की सेवा कराई जा रही और करके जो व्यवस्था बनाई जा रही, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे। ये छोटा मोटा अभियान है, लेकिन अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और मैंने अभी कोई खास बताया अभी आपको
क्यों मैं तो देख रहा हूं कि तुम सुनने वाले हो कि करने वाले हो, भगने वाले हो कि टिकने वाले हो। अभी तो ये सब देखा जा रहा किसके सिर पे सेहरा बांध दिया जाए परिवर्तन का, जब किसी ने अपने विचारों में अभी परिवर्तन किया ही नहीं, वही पुराने ख्यालों में डूबे रहते हो, तो ऐसे परिवर्तन नहीं होगा और तुम उस परिवर्तन को देख भी नहीं पाओगी। अगर यही विचार रहा तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम परिवर्तन की झलक को नहीं देख सकते। इसलिए सत्संग तो मैं कल आपको सुनाऊंगा, आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं जिसके विषय में आप आए हो सुनने के लिए। वो दो महापुरुषों की दया है, एक ही नहीं दो थी। एक ने खजाना नाम धन कमाया और खजाना इकट्ठा किया और दूसरे को दे दिया जिसको बांट दिया। उन दोनों महापुरुषों की दया लेने आप आए हो, ये छोटी मोटी पुण्य की तिथि नहीं है जिसको अभी लोग जान नहीं पा रहे। आगे आने वाले समय में सब इसी तिथि का इंतजार करेंगे क्योंकि ऐसी पावन तिथि कोई है ही नहीं। अब वो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगी, जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। इसलिए सत्संग में कल से प्रसारित करूंगा, उसका मुहूर्त कल है। अभी प्रेमी भारी संख्या में आ रहे हैं, तमाम रास्ते में तमाम चलने की तैयारी में है, किसी को छुट्टी नहीं मिली, खेती का काम पड़ा हुआ है, तरह तरह की असुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं से जूझ रहा मानो फिर भी अगर शामिल शरीक हो रहा है उसके लिए उसकी उपस्थिति बहुत बड़ी मानी जाएगी। आपको इस पर विचार करना है। मैं उस महापुरुष के बारे में 9 वर्ष से बराबर जानकारी दे, मैंने अपना कोई प्रचार नहीं, न अपने नाम का, न अपनी जाति का, न अपने गांव का, न माँ बाप का, इसका कोई प्रचार। ये तो शरीर कहीं न कहीं तो पैदा होगा ही, उससे मतलब नहीं है, मतलब है काम के नाम से। वो काम वाला नाम कौन है? उसी नाम की जरूरत है, उसी नाम से इतिहास बनता है, उसी नाम को लोग लेने लगते हैं। तो इसलिए आपको ये सब जानकारी कर लेनी चाहिए। बाबा जयपुर देव जी महाराज जिन्होंने अथक परिश्रम करके ये अमोलक धर्म हम सबको लुटाया, इसलिए कि जीवात्माएं बहुत युगों से कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, इसको घर जाने का मौका नहीं मिला। कोई ऐसा उस घर से आया ही नहीं जो घर पहुंचाने की बात है। यहाँ सतलोक का वर्णन है, सतलोक से संत आते जाते हैं, वहां भी आवागमन है लेकिन वो संतों का आवागमन है। संत बोध संत सूरत मानुष मंदिर में सतलोक से आती जाती रही, वहां तक का भेद बताया लेकिन ये कहा कि आगे है, आगे और है, उसका भेद जो आगे शक्ति आएगी वो खोलेगी। सबको अधिकार अलग अलग होता, जो जिसको जितना काम दिया जाएगा वो उतनी बात करेगा, उतना भेद खोलेगा, लेकिन जब समर्थ मालिक स्वतः भूमंडल पर आ जाएगा वो सारा भेद खोल देगा। इसलिए प्रेमियों तुम गुरु सर सदगुरु तक सीमित मत रहना, ये अनामी महाप्रभु है जो प्रभु नाम लेके आए हैं, प्रभु नाम से अपना परिचय दे रहे हैं और प्रभु नाम जो लेके आएगा वही जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा, बाकी अधिकार किसी। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया, अगर वही आप पढ़ लेते तब भी आपको शंका नहीं होती। उन्होंने क्या कहा? एक अनी अनामा
आज सच्चिदानंद प्रभु धाम एक ही अनामी धाम है, वहां एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके प्रभु नाम लेकर इस भूमंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम का प्रचार करा के जीवात्माओं को जगाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। ये काम धरती पर किसी ने नहीं किया। जब अगर किया होता तो इतिहास मिलता आपको, कोई ना कोई परिचय आपको जरूर मिलता, लेकिन ऐसा कोई परिचय नहीं है। इसलिए मालिक को अपना परिचय खुद देना पड़ा, और ताकि प्रेमियों में शंका संदेह भूल भरम ना आ जाए कि आए हैं तो किस काम के लिए आए हैं, कौन सा काम करेंगे, उस काम से हमारा सबका भला होगा कि नहीं, हमारा उद्धार कल्याण होगा कि नहीं, हमारे पाप कर्मों में माफी मिलेगी कि नहीं। इसलिए उनको अपना खुद परिचय देना पड़ा, और आपको परिचय दिया गया लेकिन आपको कुछ नहीं बात, सब परिचय भूल गए। मैं 9 बरस उसी परिचय को दोहराता रहा कि अभी जान लो, मान लो, पहचान लो और अपना काम बना लो, ये औसत तुमको मिला है, फिर नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने सारा समय भागदौड़ में खर्च कर दिया, कभी इधर भगे, उधर भगे, उधर भगे, अरे इधर उधर, इधर उधर नहीं, उधर, इधर उधर से उधर चलना है, अपने घर की तरफ, अपने घर की तरफ तैयारी करनी है। सब तैयारी करके आपने देख दी परिवार की, समाज की, देश की, शरीर की, क्या मिला आपको तैयारी से? उस तैयारी से उधर की तैयारी में केवल बाधा पड़ी है, मिला कुछ नहीं। अब उस बाधा को तुम बात समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब बाधक हैं, कि साधक हैं, तुम्हारे सहयोगी हैं, कि विरोधी हैं, अभी तक आप ये नहीं समझ पाए। सबसे बड़ा विरोधी तो तुम्हारा मन ही है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तुम इधर उधर जागते जागते हो का ये ठीक नहीं, ये हमारा दुश्मन, ये दुश्मन, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, इसकी बुरा, इसकी निंदा, इसी में समय जा रहा, और ये कभी नहीं समझते हो कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता, ये खराबी को इतनी जल्दी क्यों पकड़ता, कभी आपने विचार किया है? लेकिन समृद्ध मालिक क्या कह रहा, जिन्होंने मार्ग बन डाला उन्हीं को सूर मानते। सच्चा सूर भी कौन है, किससे अपने दुश्मन मन को मार दिया। दुश्मन को मार देना ही तो बहादुरी और विजय का कारण बनता है, लेकिन दुश्मन को आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए, असली दुश्मन तुम्हारा मन है जो अंदर बैठा, और उसी के लिए कहा है पढ़ो तुम इसे के पीछे और सभी जतन तजना। कहो तुम किसी के पीछे मत पढ़ो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, न तुम्हारा कोई कुछ बना सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। इस भूल भ्रम से हटो और अपने शैतान मन को मारो, कहां से, विषय और भोगों से धीरे धीरे हटाने की कोशिश। हटाने का केवल 3 ही रास्ते हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता। ये बाहर के 3 रास्ते और अंदर में 3 रास्ते, सुमरण करो, ध्यान करो और भजन करो। अब इन 3 रास्तों को आप अभी तक न समझ पाए हो, न धारण कर पाए हो, न इसको अपने जीवन में अनिवार्य कह के मान पाए हो, कितनी बड़ी कमी है। तो मैं उस समृत अनामी महाप्रभु के वादे, उनके वचनों की एक बार फिर आपको याद करा, सत्संग में कल से प्रसारित करूंगा। जिसकी जरूरत आवश्यकता है वो तो मैं कल से आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अभी लोग वो भी आ रहे हैं जो पीछे से आ रहे हैं, सब आ जाएंगे तो सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव।
पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पुण्य पावन तिथि पर उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु भक्तों प्रेमीजनों, बड़ा जीव का स्वभाव होता है तब ये घड़ी मिलती है। जिस घड़ी में आप शामिल शरीक हुए बैठे हो ये घड़ी ऐसे नहीं मिलती। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता तब ये पावन पवित्र पुण्य तिथि घड़ी हमें आपको मिलती। महापुरुषों ने इसी लिए लिख के बताया कि पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुष नहीं मिलते हैं और बिना उनके मानव जीवन का असली रास्ता, जीने का असली तरीका, जीवन जीने का ढंग ये नहीं मिलता। तो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने इशारे में कर दी, लेकिन इशारे को अभी तक उन्होंने नहीं समझ पाए। सब गाने बजाने, मनोरंजन, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने में समय खराब कर रहे, लेकिन करने कराने में कोई समय नहीं दे रहा। बात बनेगी करने से, सुनने सुनाने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी करने से। जब करने लगोगे करने का अनुभव होता, अनुभव ज्ञान की जननी है। सच्चा तो अर्थ ये, अगर ये समझ में आ जाए तो इतने दिनों में आपने क्या सुना, कितनी मेहनत आपके साथ की गई, ये दोबारा मौका कभी शक्तियों ने दिया ही नहीं सुधरने। कबीर साहब ने तो ये कहा सुनी माने नहीं दे धक्के दोषा, जो कहना सुनना कुछ नहीं मानता मारो धक्का। लेकिन अनामी महाप्रभु ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, जो रास्ता देने आया है वो कभी घबराता नहीं, वो कभी घबराता नहीं है। कि रास्ते पर लोग नहीं चल रहे तो घबरा जाए, वो कोई न कोई सरल युक्ति बनाता है। इतनी सरल युक्ति बना देगा इसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। बाबा जी ने क्या कहा, अगर मैं देखूंगा कि अपने प्रेमियों को कोई कठिनाई हो रही तो मैं इतना सरल कर दूंगा कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, केवल निमित्त मात्र खड़ा रहे काम हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम अपनी जगह खड़े भी नहीं रह पा। अगर खड़े रहते तो अब तक तुम्हारे काम की शुरुआत हो जाती। जब आपसे ये कहा गया कि परिवर्तन का सारा मसाला मैंने बना के तैयार कर लिया, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा और तुम्हें सौंप दूंगा, तो फिर काबिल क्यों नहीं बनते? काबिलियत का तरीका क्या, काबिल योग बनने का कौन सा रास्ता? उसी रास्ते पर दिन रात प्रयास किया जा रहा, आपको चलाया जा रहा, चलाने के लिए आपके लिए यानी मतलब सुधर मजबूत व्यवस्था भी बनाई जा रही, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। कहा था एक बार फिर मौका दिया, ये भी किसी ने नहीं कहा। उधर संत का कहना है मरो दे धक्के दो चार, गिर जाएगा कभी होश आएगा तो उठेगा। इधर अनामी महाप्रभु कहते नहीं नहीं, एक बार इनको फिर मौका दिया, एक बार मौका दे दीजिए, इनको मेरे बच्चों से अवगत करा दीजिए, जानकारी दे दीजिए कि मैं किस काम के लिए आया हूं। जब तक तुम उस काम के काबिल नहीं बनोगे मैं ये काम करना बंद नहीं करूंगा, मैं अपने काम में लगातार लगा ही रहूंगा। जब तक तुम नहीं लगोगे उसमें तब तक ये बंद नहीं होगा। और कहा था मैं सत्संग करते करते सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा।
और कोई दूसरी युक्ति नहीं। तुम सुनोगे कैसे नहीं, तुम्हें मजबूर कर दिया जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो कहा कुदरत को चार दे दूंगा और कुदरत एक मिनट में सबको समझा देगी। अभी एक छोटा सा चुटकुला कुदरत ने छेड़ा है और सारी दुनिया तबाह हो गई और समझ में अभी लोगों के नहीं आया, अभी नहीं आया। अब फिर कहने लगे दूसरी लहर आने वाली, तीसरी लहर। ये लहर है जो एकदम बर्बाद कर दे, ये लहर, ये कौन सी लहर? लहर तो खुशहाली की होती, ये दुखाली की लहर तो कहते भी फिर आ गई। ये बताने वाले हैं, रोकने वाला कोई नहीं। सारा विज्ञान बता रहा है ये मुसीबत, ये आंधी, ये तूफान, ये विनाशकारी स्थिति, ये सब बताने वाले, लेकिन इनको रोकने वाला कौन होगा? जो इनको रोक देगा वो समय का महान कहलाएगा। ये रोकने की युक्ति किसी में नहीं है। और सब आपको जगह जगह उसका परिचय भी दिया जा रहा। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर मैंने लोगों से कहा कि इस भूमि पर कोरोना नहीं आ सकता, यहां कोरोना के कदम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बीमारी वहां आती है जहां गंदा खान पान, गंदे कर्म किए जाते हैं, गंदगी में बीमारी आती है। लेकिन यहां कोई गंदगी इस तरह की नहीं। और लोगों ने देखा कि सारा हिंदुस्तान तबाह हो गया, लेकिन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर कोई बीमारी, कोई बीमारी नहीं, कोई मरीज नहीं। मैंने कहा यहां तो बीमारी आ ही नहीं सकती। अगर बीमार है और आ जाए और शाकाहारी बन जाए और भंडारे का ये सात्विक भोजन करने लगे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें दवा की कोई जरूरत नहीं, इसमें परहेज की जरूरत है। अरे परहेज ही बीमारी को ठीक करती है। दवा तो 1% काम करती, 99% परहेज काम करता। मैंने कहा धार्मिक धरा पर शाकाहार का प्रचार करा दिया जाए और शासन प्रशासन इसी प्रचार में लग जाए तो देश से बीमारी चली जाएगी। ये धार्मिक धरा भगवान राम की है, ये कर्म भूमि भगवान कृष्ण की है और योग भूमि ये संतों महात्माओं की है। यहाँ पर बीमारी आ ही नहीं सकती अगर आप इनके अनुकूल कार्य करते रहे। लेकिन बात तो आप मानते नहीं, आपने मनमानी करके देख लिया, परिणाम क्या मिला? सब कुछ चला गया। और नहीं मानोगे जो बाकी ये भी चला जाए। ये तो बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 तब ये कहा था, एक बार अगर आप लोग शाकाहारी ना हुए, अच्छे खान पान को ना अपनाया, अच्छे कर्मों को ना किया तो कुदरत की तरफ से ये भयंकर बीमारी आ रही, उस बीमारी का नाम कोरोना होगा। कोरोना क्या क्या ना करो, बात तो समझने की है। कोरोना का मतलब आप अंडा ना खाएं, मुर्गा मीट ना खाएं, दारू शराब ना पिए, किसी की निंदा आलोचना बुराई कभी साइज न करें और किसी के भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग न करें। अपने मुंह को बंद रखो। अगर तुमने ये मुंह से कहना बंद नहीं किया तो आगे शासन प्रशासन की तरफ से तुम्हारे मुंह पर पट्टी बांध दी जाएगी। ये बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 में कहा था और आपने मुंह पर पट्टी बंध दी और अभी नहीं समझ पा रहे। हमसे लोगों ने कई बार कहा कि महाराज आप मास्क नहीं लगाते हो। हमने कहा हम तो मास्क खाते नहीं है भाई, मास्क लगाने की क्या जरूरत? जो मास्क खाता हो मास्क लगाए, इसकी जरूरत ही क्या? अरे हिंदुस्तान जैसे धार्मिक देश में जहाँ धर्म से सब जुड़े हो, धर्म स्थलों से जुड़े हो, धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हो, धार्मिक नदियों से जुड़े हो, वहां पर ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन जब तुम्हारे अंदर से धार्मिकता चली गई, धार्मिकता का मतलब यही है, धर्म धारित, धर्म धारण का विषय जो अपने जीवन में उतारा जाए, कर्म में परिणत किया जाए, उसी को धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म की परिभाषा भी हम
लोगों को गलत तरीके से सिखाई गई, कर्म को धर्म माना गया। किसी विद्वान से पूछो कि भाई धर्म किसे कहते हैं, तो आपसे यही कहेगा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप कभी गंगा स्नान करो। अरे करो माने कर्म है और धरो माने धर्म। अभी कर्म धर्म की परिभाषा नहीं बता पाए तो ये धर्म कर्म सिखाएंगे क्या? वही कारण है कि देखो सब भाषण होते रहे तो राजनीति चली गई, प्रवचन होते रहे तो धर्म नहीं चली गई। कुछ बचा है? कुछ देश में बचा? देश के लोगों के लिए कुछ बचा है? हाँ बचा है, तो मुसीबत और बीमारी महामारी और लड़ाई झगड़ा और दैनिक को दुर्घटना, यानी मतलब महंगाई गरीबी और टैक्सों की भरमार, ये बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो ये तुम्हारा प्रजातंत्र कहा रहा? जरा प्रजातंत्र पर विचार कीजिए। प्रजा का तंत्र माने ढांचा, यानी व्यवस्था। जब प्रजा की व्यवस्था है और प्रजा को अपनी व्यवस्था में कुछ नहीं मिल रहा, ये प्रजा की व्यवस्था मानी जाए? क्या इसे सच्चा प्रजातंत्र कहा जाएगा? अरे आप पढ़े लिखे हो, परमात्मा ने बुद्धि दी है तो आपको तो विचार करने सोचने का पूरा अधिकार है प्रजातंत्र में, लेकिन कुछ नहीं, सब चुपचाप बैठे, कुछ कहते भी नहीं, कुछ सुनते भी नहीं, कुछ समझते भी नहीं, और बताया जाए तो उस पर विश्वास नहीं करते, तो फिर ये काम कैसे होगा? इसलिए जिस समृद्ध मालिक ने इस भूमंडल पर जो प्रतिज्ञा की है ऐसी किसी ने नहीं, जो वादा किया है ऐसा किसी ने नहीं किया, जो प्रतिज्ञा की है ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं की। जनता जमहूरियत को सुख और नानी शांति दिलाने की किसी ने नहीं की, और आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात नहीं। तो जरा सुन लीजिए, उन्होंने हमारे आपके लिए क्या प्रतिज्ञा की, क्या वादा किया, फिर से ध्यान दे दीजिए, क्योंकि मैं बराबर इसी को दोहरा रहा हूं। जब तक दोहराऊंगा जब तक ये पाठ याद नहीं हो, इस पाठ के अनुसार चलने नहीं लगोगे तब तक कोई मुसीबत, कोई आपत्ति, कोई संघर्ष, कोई यात्रा आपके पास से जाने वाली नहीं है। बाबा जी ने सर्वप्रथम अपना परिचय दिया, क्योंकि ऐसी शक्ति कभी भूमंडल पर आई नहीं थी, इसलिए उनको अपना परिचय दिया। यहाँ केवल अवतारी शक्तियों का जिक्र और कलयुग में संत सदगुरु का जिक्र, अनामी महाप्रभु का जिक्र नहीं है। और ये कहा, जब कलयुग के लोग गुरु को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तब ये अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आ जाएगा और प्रभु नाम से आवाज लगा देगा परिवर्तन की, जो किसी ने किया नहीं। और सब बातें इस नाम को, मैं जब अभी निकला था 2 महीने के लिए तूफानी दौरे पर, आपका पूर्वांचल, फिर उत्तरांचल, फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में, मैं भी कार करके ही तो आया हूं, तो मैंने सुना कि अखंड रामचरित मानस का अखंड पाठ हो रहा समाज में, परिवारों में, देश में, सब जगह, लेकिन बेचारे रात भर चिल्लाते हैं और समझते कुछ नहीं। रात भर कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भयो बाजू, ये चिल्लाते कि प्रभु की कृपा होगी तब सब काम हो जाएंगे, हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। मानव जीवन को चेतन रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा, और चिल्लाते हैं बेचारे लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा, प्रभु नाम की चर्चा कहाँ हो रही। वो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, निरंतर प्रभु नाम का प्रचार होना, और वहीं से सब जगह ये अभियान चलाया जा। लेकिन बेचारे कैसे समझते हैं?
और हमने आपने भी वादा इसी नाम से किया। कोई ये नहीं कहता राम की कृपा भयो सबका जूर, कृष्ण की कृपा भयो सबका जूर, ब्रह्मा विष्णु महादेव हनुमान की कृपा भयो सबका जूर, ये कोई नहीं कहता। क्या लिखा है? प्रभु की कृपा भयो सबका जूर। जब कभी तुम्हारे सारे काम प्रभु की कृपा से होंगे, जब प्रभु नाम आएगा भूमंडल पर, प्रभु नाम का प्रचार कराया जाएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ा जाएगा, तब ये सब काम प्रभु नाम से होगा। इस पर भी कोई विचार नहीं कर रहा और चिल्लाते सब यही कहते। और हमारी आपकी जीवात्मा ने भी मां के गर्भ में वही यही वादा किया था, जब वो क्योंकि गर्भ की स्थिति बहुत गंदगी से भरी हुई, मुंह नीचे पैर ऊपर, माँ का मलबूत बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता है, ऐसी यानी भयावह स्थिति में, दर्दनाक कष्टदायक स्थिति में, वहां तो जीवात्मा का साथी कोई बैठा नहीं जिससे वो प्रार्थना करे कि माँ हमको इस कष्ट से निवारण कर दो, इस कष्ट से दूर कर दो। तो जीवात्मा प्रार्थना करती तो किससे करती? क्या कहा हमारी आपकी जीवात्मा ने? क्या वादा किया है गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिख के बताया कि जीवात्मा कहती है, यानी चिल्ला के गुहार लगाती, लेकिन बात तो किसी ने सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुनी, और सुनी तो आपने समझी नहीं, समझा तो आपने माना नहीं। अब प्रभु कृपा करो ये भाती, सब तज भजन करम दिन राती। देखो फिर वही नाम उच्चारण करती, हे प्रभु हमारे पर ऐसी कृपा दया मेहरबानी करो कि हमको इस नरकुंड से बाहर करो। तो कह रहा कितनी बार हमने तुमको बाहर किया, यहाँ आपत्ति मुसीबत में तो वादा करती हो और जब पार जाती हो माया की चकाचौंध में हमको भूल जाती हो, तो कह रही नहीं अब की बार मानवतर का सौभाग्य मिला, मैं किसी संत महापुरुष की तलाश करके उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर के लिए अब मैं पूरी तैयारी करूंगा। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तरी भजन कर दिन रात, सब छोड़ छाड़ कर दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, ये हमारी आपकी जीवात्मा ने वादा प्रभु से किया। आज प्रभु भूमंडल पर आ गया सामने, कह रहा भाई हम तुमने हमसे वादा किया और हम तुमको रास्ता बताने वाले भी आ गए, तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, अब तुम अपने वादे को पूरा क्यों नहीं करती? ये सब आपके साथ ही किया जाए, लेकिन फिर भी तो आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आपका मन मचल रहा है, कभी भाग रहा है, कभी यहां दौड़ रहा, कभी वहां दौड़ रहा, एक जगह नहीं टिक रहा। अगर टिक जाए तो तुम्हारा काम ही फिट हो जाए, फिर आपको करने की जरूरत ही क्या? यहां तो कुछ करने को कहा ही नहीं गया, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी का। तुम केवल दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, ये सब तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम ना खड़े रहे, ना पड़े रहे, ना अड़े रहे, तुम सब के सब भर खड़े थे, कोई इधर भगेरा, उधर भगेरा, कोई उधर, ये भगोड़ा पर कब खत्म करोगे? कब सच्चे रास्ते पे आके टिकोगे? जब तक टिकोगे नहीं, स्थिर प्रज्ञता इसी को कहते हैं, जब मन बुद्धि चित्त स्थिर हो जाए तो स्थिर प्रज्ञता यानी ये तुम्हारे अंदर मजबूती आ जाएगी कि हमें खड़ा कहाँ होना और कैसे होना और खड़े होकर अपना काम बना लेना, ये मजबूती आप में जाओ। तो मैं उसी अनामी महाप्रभु के कुछ वचनों को आपके सामने कहना था जो उन्होंने
अब सब जीवात्मा और रूहों को अपने घर पहुंचाने का वादा किया। ये काम धरती पर और किसी का नहीं, ये काम आपका कोई नहीं कर सकता। राज पाल धन दौलत मान सम्मान अधिकार ये सब देते और पृथ्वी बाल बच्चे ये तो मिल जाएंगे, लेकिन जीवात्मा का उद्धार कराने वाला ये रोज नहीं आता। सतगुरु गुरु बहुत तेरे, गुरु तो बहुत ही आते जाते बनते रहते हैं, लेकिन सतगुरु समय का एक ही आता। सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे और कहा अरे जीवात्माओं तुम्हारी गुरुओं से नहीं बनेगी। किससे बनेगी? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। जब कभी तुम्हारा उद्धार तुम्हारा कल्याण होगा तो समय के आए सतगुरु दयाल से, और ये काम किसी से नहीं। वो तो सतगुरु दयाल की बात यहां नामी महाप्रभु की बात तो आपको समझनी ही पड़ेगी, नहीं तो कुदरत मजबूर कर दे। हम तो प्रार्थना ही कर सकते और ये कर सकते जल्दी से। सब लोग अपना सुधार कर लो, सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाओ, इधर उधर भाग दौड़ बंद करो। एक भरोसो एक बल एक आत्मविश्वास जितनी ऐसी अचल अटूट धारणा आपके अंदर आ जाएगी, उसी तिथि से तुम्हारे काम की शुरुआत होगी। तो जरा सुन लीजिए कि बाबा जी ने अपना परिचय दिया और शक्तियां आई, ये परिचय किसी ने नहीं दिया। मार काट किया वो परिचय दिया, लेकिन इसके पहले ये नहीं कहा कि मैं किस काम के लिए आया और कौन सा काम करके जाऊंगा। और कहा तो कहा कि केवल मैं समाज के सुधार के लिए, वो भी सुधार संघार नीति से, सुझाव समझाए नीति से नहीं, कहा संघार नीति, मार काट हिंसा नीति। और समृत मालिक ने क्या कहा? ये राम कृष्ण की क्या पूजा जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार काट हिंसा की, खून खराबा, मारे भय और डर के लोग पूजा कर रहे, लेकिन मैं तुम्हारी पूजा राम कृष्ण की क्या हुई करा दूंगा। वो वैचारिक क्रांति के द्वारा देव दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, जो काम धरती पर किसी ने नहीं। ये अवतारी शक्तियां देशी प्रदेशी परिवर्तन तक सीमित रही, और वो भी दक्षिण भारत में। आज भी राम को भगवान नहीं माना जाता, दक्षिण भारत में लोग रावण की पूजा करते हैं, आज भी उनको नहीं मानते। कहा वो तो मार काट करने वाला, हमारे राजा को मारा, हमारे ब्राह्मण राजा को मार कर ब्रह्म हत्या उसके सिर पे लगी, इसीलिए वो सरजू में डूब के मरा। कि देखो हमने अन्याय किया, अपराध किया, अपराधी रावण, लेकिन उसका अपराध 302 का नहीं था, प्राण दंड देने वाला अपराध नहीं था। और उसके अलावा सारे परिवार को प्राण दंड दिया, सारी जनता को मार दिया। मैंने ये जघन अपराध किया, इसलिए मैं अफसोस प्रायश्चित करके मैं सरजू में डूब कर अपने प्राण दे रहा हूं। ये देखिए ये मौत अकाल मौत, ये अकाल मौत है। जल में डूबना, अग्नि में जलना, फांसी लगा लेना, चैर खा लेना, ये सब अकाल मौत है। तो जिनको भगवान का हो तो अकाल मौत में चला गया, फिर तुम्हारा क्या हो? तुमको तो वो भगवान चाहिए जो अकाल मौत से छुटकारा, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे। आपको तो उस त्याग भगवान की आवश्यकता है। काल भगवान मारता सजा देता है, तरह दयाल भगवान माफी करता है, क्षमा करता है, सम्मान देता है, ये उसका काम। वो अपमान कभी नहीं, सम्मान देता है। आपको तो ये सब सोचना चाहिए। इसलिए अनामी महाप्रभु जो भूमंडल पर आए तो उन्होंने हम सब जीवों के लिए वादा क्या किया, किस लिए आए? यही तो सब भूले हुए। अगर वो सब लोग जान जाते किस काम के लिए आए
तो अभी तो काम हुआ नहीं, फिर आप ये कैसे कैसे कि मर के चले गए, ये काम कौन करेगा, ये परिवर्तन कौन करेगा, कलयुग कौन भगाएगा, सतयुग कौन लाएगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था सारे विश्व को बना के कौन देगा, यहाँ लोग परिवार नहीं चला पा रहे, और विश्व को यानी मतलब रोजी रोटी की समस्या हल करने की योजना जिसके पास कहा बात कहा था, मेरे पास वो योजना है कि सारा विश्व यानी सुख और शांति को प्राप्त करेगा, मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा भगवान कितना महान है, कितना शक्तिमान है, जो सारे विश्व को झुकाना जानता है, सारे विश्व को अपनी भूमि का व्यवस्था अपनाना जानता है। क्या आपकी समझ में आया, अभी तक इतना समय निकल गया, सुनते सुनते सुनाते सुनाते कोई तो लाभ आपने प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए बाबा जी को अपना परिचय देना कहना पड़ा कि मैं किस काम के लिए आया। तो क्या कहा, कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ये आपकी समझ में नहीं आई, और क्या कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। कैसी विलक्षण अद्वितीय आवाज अनामी महाप्रभु की, जो हमारे आपके लिए निकाली गई आवाज, हमारे आपके कल्याण उद्धार के लिए, लेकिन हम अपने हित की बात नहीं समझ पाए, अपने कल्याण की बात नहीं समझ, कितना हम सिंहों जी जीवों का दुर्भाग्य, कितना बड़ा दुर्भाग्य। और क्या कहा, कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या ऐसा किसी ने कहा है, कलयुग में कितने संत आए कबीर साहब से लेकर, लेकिन किसी ने ये वादा नहीं किया कि जिनको मैंने नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई यानी नाम दान दिया, क्या इनकी जीवात्मा को जब तक घर में पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये किसी का वादा नहीं, किसी भी संत का वादा ये नहीं, इस तरह का। तो हमें आपको ये सोचना चाहिए, जो हमारे लिए वादा कर रहा हमारी जीवात्मा को उद्धार कल्याण के लिए हमें पाप कर्मों से माफी दिलाने का, तो हम अपने हित की बात नहीं समझ पाए, जबकि धर्म शास्त्रों में क्या लिखा, हित अनहित पशु पक्षी जाना मानव तन गुण ज्ञान में धाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है, अरे मानव तो गुणों की खान मारा गया और ये अपना हित अनहित नहीं समझ पाया, ये कौन कह दिया। जब आपको नाम दान दिया तब भी आपसे ही वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, जब तक मेरा एक भी
लिए किए गए और आपके पास एक भी वादा नहीं, एक भी वचन नहीं पुरुष, तो फिर तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओगी? ये वचन ही तो बचाती और वचनों से तुम दूर करो, क्योंकि वचनों को तुम सुनते नहीं। जब कहते हैं सामने बैठ के आओ, सामने बैठ के सुनो, वो निशाना सामने का सही लगता है, दाएं बाएं पीछे पीछे का निशाना सही नहीं होता, तुम्हारी बात समझे नहीं कभी आती। और जब भी तुम इन बातों को नहीं मानोगे तो कभी विचलित हो जाओ, कभी तुम्हारा मन सही रास्ते से हटा के तुमको फिर उधर ले जाएगा और उन्हीं भोगों में फिर फंसा देगा, फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात तो आप समझते नहीं हो, किसी ने कहा जा रहा, अरे मैं कोई अपने लाभ के लिए कह रहा, कोई अपने लाभ की बात मैंने आज तक कही कि हमको रुपया दे दीजिए, सामान दे दीजिए, सामान दे दीजिए, कुछ कोई नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं। जरूरत है सच्चे समाज के निर्माण की, वो तो आप समझ नहीं पा रहे कि सच्चे समाज का निर्माण कैसे होगा। जब तक सच्चा खान पान मानो नहीं समझेगा, सच्चे कर्म नहीं समझेगा, तब तक ये विकास यानी समाज का कैसे होगा? आप सबको इस पर विचार करना। बाबा जी ने ये भी कहा, एक एक वचन आप सुनी, ये रोज नहीं कहूंगा, 9 वर्ष से बराबर मैं आपके कान तक वही आवाज पहुंचा, और किसलिए कि अभी आपको याद नहीं हो रहा, जब तक ये पाठ याद नहीं होगा दूसरा पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा पाठ मैं नहीं पढ़ूंगा, ये पाठ आपको याद करना होगा, और इसी पाठ से तुम पूरे जीवन का पाठ पढ़ लो, अपने जीवन जीने का पूरा लाभ का पाठ आप पढ़ोगे अगर ये आपकी समझ में आ जाए। प्रयास तो यही किया जा रहा कि सब लोग समझ लो, सब लोग जान लो, सब लोग अपना काम बना लो, लेकिन किसी की समझ में आवे तब तो, जहां 45 करोड़ चेला हो उस गुरु का कोई नामो निशान, उस गुरु के बारे में कोई चर्चा नहीं, उस गुरु की कोई महिमा नहीं, उस गुरु का कोई वादा नहीं, ये आपने किया क्या? ये सब अपने गुरु का अपमान कर रहे, गुरु का अपमान कर रहे, और गुरु का अपमान करने में शर्म भी नहीं लग रही, इतने बेशर्मी आदमी धारण कर 45 करोड़ चेला और गुरु का अपमान, ये करते क्या है? ये क्या करते रहे? उन 5 लोगों ने ये नाटक कर दिया मथुरा में, तुम 45 करोड़ क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने? जवान से आवाज भी नहीं निकाली, अरे किसी पर कोई घटना होती है आदमी बचा नहीं पाता, लेकिन मुंह से आवाज तो तब भी लगाता, दौड़ो दौड़ो भाई बचाओ बचाओ, ये बड़ा गलत हो रहा, बड़ा अन्याय हो रहा, ये हो रहा, ये आवाज तो लगाते, तुमने वो भी नहीं लगी। 45 करोड़ सब के सब एकदम मुंह बंद करके बच गए, क्या यही तुम्हारी गुरु भक्ति है, यही तुम्हारी गुरु मुक्ता है, यही तुम्हारी शिष्यता है? तुम किस यानी मतलब कोर्ट के शिष्य माने जाओगे? कौन सी तुम्हारी क्वालिटी है? तुम्हारी तो कोई क्वालिटी नहीं है, तुम अपने आप को गुरु भक्त कह ही नहीं सकते। समय आ रहा है वो बिल्कुल तुम्हारे करीब खड़ा हुआ, वो पूछेगा कि तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया था, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए तुम्हें नामदान दिया था, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए तुमको सेवा में लगाया था, तरह तरह की बीमारी महामारी कष्टों से तुमको बचाया, और तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया, क्या जवाब दे दिया? आपके पास कोई जवाब है? क्या तुम्हें कोई गुरु भक्त मान लेगा? तुम्हें मालूम नहीं जो संत वचनों को छिपाता वो संत का द्रोही कहलाता, जो गुरु वचनों को छिपाता वो गुरु का द्रोही कहलाता? जिससे धर्म की स्थापना होती, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाता है वो धर्म का द्रोही कहलाता। तुम तो 3-3 द्रोह में फंसे, निकलने का कोई रास्ता तुम्हारे पास? तुम्हारे पास जवाब क्या?
ये भारत की जनता सब तुमसे पूछेगी, क्योंकि तुमने भारत की जनता को बाबा जी का संदेश सुनाया है। आपने कहा है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो बाबा जी मर के चलेंगे तो सुख शांति कौन देगा, कौन देगा? तुम प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? तुम भारत की जनता को अपना मुंह क्या दिखाओगे? क्योंकि तुमने प्रचार किया गली गली में, सड़कों सड़कों, कस्बों बाजारों में, सब जगह आपने गुरु का संदेश दिया। और गुरु के बारे में कोई जानकारी है? कोई जानकारी? कम से कम विचार कीजिए, आप क्या जवाब दोगे? ये भारत की जनता पूछने ही वाली है, अब आप क्या जवाब दोगे? तो कहेगी तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। अगर गुरु झूठा हो गया, क्या तुम चेले सब सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कोई सच्चा मानेगा? तुम्हारी पहचान गुरु से, और गुरु को कहते झूठ बोल के चले गए, वादा गिलाफी करके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, और तो तुम्हारा इतिहास क्या रहेगा? तुम्हारी क्या पहचान है? तुम्हें जानता नहीं कौन? तुम्हारी पहचान जय गुरुदेव नाम है, उसी से लोग तुमको पहचानते। इतने प्रेमी आए हैं, कोई किसी का नाम नहीं जानता और कुछ नहीं जानता, केवल ये जानता है ये जय गुरुदेव का, ये हमारे गुरु भाई। तो गुरु से भाई का रिश्ता, गुरु से भाई का रिश्ता हुआ, भाई से गुरु का रिश्ता नहीं बना। जब गुरु से रिश्ता बना और कहते गुरु मर गया, तो फिर रिश्ते का क्या होगा? रिश्ते का क्या होगा? अरे कुछ तो बोलो सोच के, चलो और भी दिन गुरु के लिए थे, ये तो गाली है, मर जा, मर गया तुम्हारा बाप, मर जाए तुम्हारा भाई, मर जाए तुम्हारा पति, ये तो गाली है। और सबने गुरु को गाली दी, और आज भी दे रहे हो, सबने गुरु का अपमान किया और आज भी अपमान कर रहे हो, तो तुम्हारी गति क्या होगी, दुर्गति क्या होगी? कभी इस पर विचार किया तुमने? ये तो दया हो गई जो अभियान चल गया, सब काल के कार में खड़े। जब मैं निकला 28 मई 2012 तो मुझे एक भी व्यक्ति नहीं, गुरु कहने वाला एक भी नहीं, एक भी नहीं मिला गुरु कहने वाला, गुरु की शरण में रहने वाला, गुरु के वचनों को याद करने वाला, उनके वादों पर टिकने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला। तो कभी जुड़े हट गए, कभी जुड़े हट गए, ये 3 बरस से ही होता। 3 बरस में ऐसे दौड़ता रहा, दिन भर बोलता रहा, रात भर चलता, न खाने का समय न सोने का समय, तभी एक गुरुवाणी बन के तैयार हुई। जो आप देख रहे हो, इतनी मेहनत परिश्रम के संघर्ष के बाद कोई सहयोगी तो मिला नहीं, डराने वाले बहुत मिले, कह रहे आप अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई सत्संगी नहीं, तुम्हारे साथ संगत नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास आश्रम नहीं, तुम्हारे पास प्रशासन नहीं, तो कोई तुमको गोली से मार देगा, कोई बम डाल देगा, उनका प्रशासन है उठा के जेल में बंद कर देगा, ये सब कहते थे, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं। तो मैंने कहा उनके पास जमीन आश्रम, उनके पास प्रशासन, उनके पास रुपया पैसा, उनके पास संगत, और मेरे पास गुरु है। उनके पास गुरु मर गया, मेरे पास गुरु जिंदा है, मेरे पास गुरु है, ये गुरु बल से काम हो रहा, मैं करने वाला कौन होता हूं, ये गुरु बल से काम हो रहा। मुझे अपने गुरु का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि ये सब काम हो जाएगा। आप देखते रहिए, धीरे धीरे सारा गुरु परिवार इकट्ठा हो जाएगा, नैमिषारण्य की तपोभूमि एक दिन सबको बुला लेगी, क्योंकि वहां का संदेश 1997 का याद करो, जब बाबा जी ने पूर्णिमा का कार्यक्रम 1997 में नैमिषारण्य की तपोभूमि वही घूमती नदी के किनारे किया,
10 जुलाई से 23 जुलाई तक और आखिरी दिन का बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुर निकलेंगे। प्रेमियों अंकुर क्या आसमान में निकलेंगे? सबका आधार जमीन होता। मैं कोई काम अपनी इच्छा से कभी नहीं करता। जो आदेश हुआ है या होगा, जो होगा उसी का पालन कर रहा हूं। आपको तो मालूम नहीं कौन सा आदेश हो रहा, कौन सा आदेश हुआ, कौन सा आदेश होगा, आपको तो पता नहीं कुछ, इसलिए तुमको विश्वास नहीं हो पाया, तुम बोलबाल में चले जाते। ये सब कम से कम आपको मथुरा में कभी कहा था कि यहां सतयुग के अंकुर निकलेंगे, कभी सुना आपने मन से? कुछ तो आपको विचार करना चाहिए कि भूमि क्या का असर, किस भूमि का क्या प्रभाव। ऐसी तपोभूमि विश्व में कहीं नहीं, जहां 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की रही और वहां उन्होंने तपस्या की, और तपस्या का लाभ कहा किसको मिलेगा वो तो बेचारे जानते नहीं थे। तपस्या करके शरीर छोड़ के चले गए जमीन में, तो वो तपस्या का अंश है ही, लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस जब लिखा तो उन्हें उत्तरकांड में उसका भी जिक्र किया है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, कहा ये तीर्थों का राजा महातीर्थ नैमिषारण अति पुनीत अति सर्वत्र वर्जति, अति सत्य वर्जित माना गया, लेकिन गोस्वामी महाराज ने उस तपोभूमि को अति सत्य से विभूषित किया है कि अति पुनीत यानी पावन पुनीत तो सत्य है, लेकिन ये अति जिसकी कोई सीमा नहीं, कहते ने अति कर दी, अति कर दी यानी बहुत, जिसका कोई वर्णन नहीं। उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा ये भी कहा साधक सुखदाता, जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, सुख शांति प्राप्त हो। तो लिख तो सबको दिया गया और तुम्हारी समझ में नहीं आया तो क्या किया? मैं ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं जो यानी मतलब आदेश के विपरीत। अब आपने आदेश सुना नहीं या आपको सुनने को मिला नहीं तो आपकी समझ में आ रहा यह सब अपनी मनमुक्ता में किया जा, मनमुक्ता में किया जाता तो इतनी जल्दी जो विकास में शरण में हुआ यह आपको देखने को नहीं मिलता। मात्र 2 वर्ष कितना बड़ा काम हो गया, वो 60 वर्ष में मथुरा का काम और 2 वर्ष में नैमिषारण का काम देख लीजिए, तुलना करिए आपकी समझ में आ जाएगा कि मालिक की दया कितनी जोरदारी के साथ उस स्थान के प्रति हो रही है। मैं तो कुछ करने वाला हूं नहीं, जो आदेश मिलता है जो हुक्म होता है जो कराया जा रहा वो तो मैं बीच में निमिष खड़ा कर दिया कि तुम्हें ये करना ये करना ये करना तो ठीक है हो रहा है, कहे कोई लाख करैया कोई और है, वो तुम देख नहीं पा रहे, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर देखने लगोगे उसी दिन समझने लगोगे, विश्वास करने लगोगे। एक एक बात को तुमको कितनी गहराई के साथ समझाया गया, बाबा जी ने जो 3 वादे किए वो सृष्टि में किसी ने नहीं किए। अरे किसी से तुम समझ लो, मेरे पास समझाने के 1000 तरीके। लोगों ने कहा कि बाबा जी चले गए, हमने कहा तुम्हारे पास मौत का एक भी प्रमाण नहीं और मेरे पास जीवित के 1000 प्रमाण है, इसलिए जब मैंने ये अभियान जारी किया तो सबसे पहले यही कहा गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है, जो कहते हैं गुरु चले गए ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैंने यही आधार बना करके ये अभियान जारी कर दिया, 9 वर्ष पूरे हो गए, 10वां वर्ष प्रारंभ हो गया। आपको भी यानी
साथ में लेकर ये काम करना चाहता हूं, क्योंकि ये काम सबके लिए था, सबके उद्धार कर लिया, कोई अकेले कर नहीं, इसलिए सबको साथ में लेकर ये काम किया जा रहा है। अब आप न ठहर पाओ, न काम में लग पाओ, तो उसमें हमारा क्या दोष है? अब तो सबको मौका दे रहे हैं, सबको सम्मान दे रहे हैं, किसी का अपमान नहीं किया, किसी को भगाया नहीं जा रहा, सबका सम्मान। अब तुम अपनी इच्छा से चले जाओ तो ये तुम्हारी बात है, वो तो तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए तीन वादों को फिर से कहा था, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सब घर पहुंचाना एक हमारा काम। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया, जो ललकार के कह रहा कि मेरा एक ही काम, तुम सब जीवात्माओं को तुम्हारे घर पहुंचाना, क्या ये ऐसी आवाज और किसी ने कभी भूमंडल पर लगाई है? या ऐसा वादा तुम्हारे हित का किसी ने किया है? लेकिन बातें तुम्हारी सोच में नहीं आई, पता नहीं कितना पत्थर दिल हो गए हो कि कोई चीज बहती नहीं, कोई चीज समझ में आती नहीं है। और क्या कहा, कहा हो सकता कलयुग का कमजोर गंदा जीव है, मेरे एक वचन को न समझ पाया हो तो दूसरा वचन का नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चल बैठे कोई सूर का, मैंने नाम की नौका लगा दी भवसागर से पार तुम्हें करने के लिए, और लेकिन कहा कि कोई कोई सूरवीर बैठे, ये और लगा दिया कोई सूरवीर बैठे। अब सूरवीर कौन है? क्या हत्या करने वाला सूरवीर? ये तो सभी सूरवीर है, लखो मुर्गे काट डाले, लखो बकरे काट डाले, लखो मछलियां काट डाली, अंडे फोड़ डाले, ये सब सूरवीर है, ये हत्यारों को सूरवीर कहते हैं। सूरवीर कौन है? जिन्होंने मांग मन डाला उन्हीं को सूर बांटे। सच्चा सूरवीर वो जिसने अपने इस गंदे भोगी विलासी मन को, जो पाप वृत्ति में लगा और फंसा, इसको जिसने मार दिया, यानी उधर से हटाकर इधर संतों की शरण में लाके खड़ा कर लिया। कर वो एक काम करेगा, हो सकता का कलयुग का जीव है, भोगी विलासी है, शायद मेरे दो वचनों को न समझ पाया हो, तो सतगुरु दयाल ने तीसरा वचन हमारे आपके हित के लिए उच्चारण किया। क्या कहा? भव सागर भरबू नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत दारू पार। केवल मान ले का तुरंत पार उतर, क्या इतना सरल और किसी ने कहा? केवल मान ले, बात सही कि हम मान भी नहीं पाए, अगर मान पाते तो ये थोड़ी कहते बाबा जी मर गए चले गए, ये मानता है, ये तो दूर रहने की मानता, जिनका गुरु ही मर गया वो गुरु के बारे में कहेंगे क्या, क्या कह सकती, क्या गुरु महिमा के बारे में बताएंगे, क्या गुरु के बारे में बताएंगे, जब उनका गुरु ही मर गया तो उसे गुरु वाला काम होने वाला नहीं। ये तो सभी वो बता रहे कि गुरु मर गया, जिनका गुरु मर गया उनके पास क्या हो। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा, बिन गुरु भौलिक तेरे न कोई, और जो विरंची शंकर सब होई, ब्रह्मा विष्णु महादेव के साथ कोई धनमान परमान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार कर ही नहीं सकता। तो आपने गोस्वामी जी महाराज को भी झूठा किया, जब गुरु मर गया तो सारे संत सारे सदगुरु सारे गुरु सब झूठे हो गए, तुमने संपर्क करके लगा दिया, तो तुम्हारा अपराध ये कौन क्षमा करेगा? ये क्षमा करने योग्य अपराध है? अरे विचार कीजिए, मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूं, कुछ कह थोड़ी रहा हूं। कहा भवसागर भरमो नहीं, स्पष्ट कर दिया, तुम इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए भवसागर से पार करने वाला
कोई दूसरा आ जाएगा या दूसरे नाम की कोई नौका लगाएगा, कब मेरे बलपौरुष पर भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। कितना जबरदस्त वादा, लेकिन बात समझ में किसी की नहीं आती। फिर आपने इतने दिन सुना क्या, क्या गुरु धारण किया, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं जाता? ऊपर ऊपर कहता रहा और ऊपर ऊपर कह दिया मर के चले। अगर अंदर से गुरु धारण किया होता और आत्मा के घाट दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठकर अगर नाम की कमाई की होती तो आज ये नहीं कहते चला गया। ये दया मिल जाती है, दया का एहसास, ये दया का घाट, ये दुआ का घाट। निरंतर 24 घंटे दुआ के घाट पर मन बैठकर भोगों की कामना वंदना किया करता, ये तो मन का घाट है और ये जीवात्मा का। अगर इस घाट पर बैठकर आपने कुछ किया होता, ये घाट घाटे की सौदा, इस घाट पर बैठकर घाटे का सौदा होता, इस घाट पर बैठकर अपने घर जाने की बात बनती, दोनों चीजें आपके साथ। लेकिन आपने तो कुछ समझा नहीं। कहा था भगवान राम ने भी परिवर्तन किया, लेकिन वो देशी प्रदेशी परिवर्तन था। उनको 14 वर्ष लगे, 14 वर्ष, और कृष्ण को 18 दिन लगे। लेकिन बच्चा मुझे कलयुग के परिवर्तन में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी भूख का व्यवस्था है, मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेगी। तो आप ये भी नहीं सोच पाए, मेरा गुरु इतना महान है, कलयुग सबसे ज्यादा खराब व्यवस्था, सबसे ज्यादा खराब खान पान, सबसे ज्यादा खराब कर्म, सबसे ज्यादा खराब, लेकिन फिर भी महापुरुष कह रहा मुझे ऐसी गंदगी को हटाने में 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसा झाड़ू है, ये सारी गंदगी बुहार कर एक किनारे लगा दूंगा। लेकिन बात समझ में भी नहीं आई। समझा समझी ने समय निकल गया, और आज भी आप वही काम कर तो कब सोचोगे, कब समझोगे, कब गुरु की महिमा तुम्हारी समझ में आएगी? अभी तो आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे, कुछ भी, एक भी बात समझ में नहीं आती। मैंने लोगों से पूछा और आप सबसे भी पूछ रहा हूं, आप बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेहरे से लिया है? वो सत्य को छिपाओ मत, क्यों तो दोषी बन रहे हो? आप जो है आवाज को तेज से निकालिए, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेहरे से लिया? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेहरे ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धन निर्घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया या किसी चेहरे ने किया? फिर क्या कहा, नामदान गुरु से लिया, आज गुरु ने पकड़ा, काम गुरु करने का कहा, और क्या कह रहे हो? ये भी नहीं सोच पा कि काम चल गए। कितनी अज्ञानता जीवों में भरी हुई, बेचारे को समझी नहीं पाए कि अब ये साहब क्या कह रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। कोई सिद्धांत तुम्हारे पास नहीं, तुम सिद्धांत विहीन हो। अगर तुम्हें ये पता हो जाए कि संस्था का, ट्रस्ट का, समिति का, संगठन का, संघ का क्या रूल रेगुलेशन होता, क्या नियम सिद्धांत होते, तो आपको भूल नहीं होती। तुमने ये नहीं बुझ पा था कि जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत ये रजिस्टर्ड, और इसमें भी लोगों की समझ बनी हुई। जब इन लोगों ने प्रचार किया
कि बाबा जी जयपुर जो धर्म प्रचार संस्था के अध्यक्ष और का की अध्यक्ष खत्म हो गए, तो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होना कानून उपाध्यक्ष का अधिकार होता। ना तो उस संगठन में किसी से पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, और तुम 45 करोड़ चेला हो, जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत के ही आप नामदानी, सदस्यता प्रमाण पर सबके पास, क्या किसी नामदानी से पूछा गया कि संस्था का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? किसी से पूछा गया? और जो पहले की संघ के गठन है उससे भी नहीं पूछा गया। ये उस समय के शासन की मनमानी, ये शासन भी फंसेगा, इतना मत करिए आप। ऐसा जाल बना दिया गया, कहा था बच्चा ऐसा गेर फंसा दूंगा और टूट जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भर जाएंगे, ये कोई बचने वाले नहीं। वो समय आपके सामने अब बहुत ही जल्द आने वाला। सरकार ने 17 अक्टूबर 2017 को फैसला दे दिया कि मथुरा वाले ड्राइवर को फर्जी माना गया कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वा देता, संस्था के व्यक्ति सेवादार होती, इसलिए उसको बर्खास्त कर दिया। और उज्जैन वाला कहा जब वो मेंबर नहीं है तो बिना मेंबर के संस्था का कोई काम करने का किसी को अधिकार नहीं, ना मेंबर मथुरा वाला ड्राइवर है ना उज्जैन वाला, ये दोनों मेंबर नहीं संस्था की, ये अवैध है, इसलिए इस पर मुकदमा कर दिया गया कि जब नियम कानून बना हुआ कि अगर मेंबर है तो कार्यवाहक रूप में वो कार्य कर सकता जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, तब तक वो काम कर सकता, उसको अधिकार, लेकिन ये दोनों ही मेंबर थे। और बाबा जी का लिखा हुआ है मैं आजीवन इस चर्च का अध्यक्ष रहूंगा, साथ साथ शब्दों में मैं आजीवन इसका अध्यक्ष रहूंगा। फिर बीच में तुमने कहते मर के चले गए थे, बात तो सही है, जब तक बाप को मार नहीं दिया जाएगा बेटा अधिकारी नहीं बन सकता। अगर संपत्ति का अधिकारी जब बनेगा, जमीन का अधिकारी जब बनेगा, जब बाप बन जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने ये नाटक किया कि बाबा जी को मार दो और संस्था का अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन तुम इतने थे कुछ नहीं किया। अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि हम जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत के नामदारी सदस्य, हमारा अधिकार है कि पहले हम सब नामदारियों से पूछा जाए कि अध्यक्ष किसको बनाया गया, न 45 करोड़ चेलों से पूछा गया और न जो ट्रस्ट बना उसमें जो मेंबर और कर्मचारी अधिकारी से भी नहीं पूछा गया। सरकार ने अपनी मनमानी अपना नाता रिश्ता निभाकर उस ड्राइवर को गुरु की गति पर बैठा दिया। ये सबसे बड़ा अनर्थ, ये सबसे बड़ा अपराध। आज गुरु नानक देव जी महाराज की गति आज भी खाली पड़ी, सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा नहीं वो गति इंसान की नहीं है, वो जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है या भगवान प्राप्ति का रास्ता जीवों को बताता है, ऐसा आत्मज्ञानी उस गति का अधिकारी होता है। तो बैठने आज भी नहीं दिया, केवल ग्रंथ साहब को रखा, ग्रंथ साहब को रखा है और ग्रंथ साहब की पूजा होती, लेकिन किसी को बैठने नहीं दिया गया, कहा ये पवित्र गति। और तुमने क्या किया, एक ड्राइवर को वो भी शराबी, न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न संस्था का मेंबर है, न नामदारी है, तुमने उसको गति पर बैठा कर सारे संतों की गति का अपमान किया है, सारे गुरुओं की गति का अपमान, उनकी मर्यादा आपने भंग की है, लिया जाए ये सजा पाने के तुम सब लोग अधिकारी। कोई नहीं बोला, सब चुपचाप बैठे,
जब मैंने बताना शुरू किया तो कितना विरोध, आज भी विरोध तो आज भी, लेकिन मैं उस विरोध से डरने वाला हूं। सत्य को कहने में जब मैं पहले नहीं डरा तो अब तो करोड़ों हो गए, अब तो करोड़ों की संख्या तैयार करती 9 वर्ष में, अब तो बहुत प्रेमी हो गए, तब चिंता की बात नहीं की तो आप क्या। और तब भी लोग कहते रहे, आज भी लोग कहते, हमने तो इनका काम कहने का है, मेरा काम करने का है, हमारे पास फुर्सत ही काम इनकी बातों को सुने। तो आपको भी समझदारी होनी चाहिए, अगर सच्चा काम न होता तो इतनी जल्दी ये संगठन बनता। सोचिए आप, तो मैंने लोगों से कहा, क्या दो ही चेहरा है? तुमने सबने ये भी नहीं कहा कि बाबा जी ने नामदार सबको समान रूप से दिया, 5 नाम दिए, क्या इनको 6-7 आसना दे दिए? तो एक कह रहा बाबा जी को वसीयत कर रहे, एक कह रहा बाबा जी को नाम पावर दे। प्रेमियों, ये तो अपना अपना प्रचार कर रहे, एक कह रहा गति का प्रचार और एक कह रहा नाम पावर का प्रचार, और मैं तो गुरु के वचनों का प्रचार करता, मैं अपना प्रचार नहीं। आपको यही से समझना चाहिए, यहाँ गुरु के वचनों का प्रचार होता, यहाँ अपना प्रचार नहीं किया जाता। और बात आपको धीरे धीरे प्रेमी जब समझने लगे कितनी तेजी से लोग आ रहे हैं, यही सुनने की 13 तारीख को ये जगह देखना किस तरह से भर जाती है, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपको ये सब समझदारी रखनी चाहिए थी। मैंने लोगों से पूछा, ये आप बताइए कृति मथुरा में, जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? आपको इस पर विचार करना चाहिए। और ये सब पूछा जाएगा, जो मैं आपको याद करा रहा हूं ये सब आपसे पूछा जाएगा कि मैंने ये सब पढ़ाया सिखाया तुमको और तुमने मेरी कोई पढ़ाई सिखाई नहीं, सीख पाई नहीं, समझ पाए कुछ भी। तो आप जवाब क्या देंगे? ये सब देखिए, तो विचार तो आपको करना। मैं उज्जैन गया 2013 कि चलो इससे पूछ लूं, अरे भाई तुझे कब नाम पावर का अधिकार मिल गया। मैं मुंबई में बोल रहा था, वहीं से मैंने सूचना भेजी कि मैं आ रहा हूं, बैठकर जरा समाधान हो जाए, क्यों संगत का बिखराव कर रहा, तूने एक आदमी खड़ा नहीं किया। कहा सब ये मेहनत गुरु की है, तेरी इसमें कोई मेहनत नहीं, एक भी जीव जो इन दोनों के पास वो सब गुरु के जीव, ना मथुरा वाले ने एक जीव जगाया ना उज्जैन वाले ने, ये सब वही पुराने और यहाँ वही सवाल है, यहाँ तो कोई नहीं था, ये मेहनत की गई है, ये मेहनत से प्रेमी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ये मेहनत देखी आप पहले तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कितनी मेहनत की जा रही। और आज भी कर रहा हूं, आज भी कोई भावना अपने स्वार्थ लोड लालच की नहीं, कितनी जल्दी काम हो जाए, कितनी जल्दी से उसी की जरूरत है और वही करने के लिए खड़ा हुआ, जल्दी से प्रेमी आ जाए, हमारा हमारी ड्यूटी पूरी हो जाए। जो अधिकार मुझे परिवार संगठित करने का मिला है, मैं अपने परिवार को जगा रहा हूँ, उन परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसमें किसी के क्या हानि कर, कोई नुकसान किसी का नहीं, और कुछ मांग भी नहीं रहा, कोई नहीं कह सकता। जो श्रद्धा सेवा भाव में आपने दिया और दे रहे हो, ये सब मैं विशाल में लगा रहा, क्योंकि हमको तो जरूरत है, मेरे पास कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा, मेरे पास तो सब जो कुछ करूंगा वो परिवार की, सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए करते, और मैं भी अगर
अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूं, ये कौन सा अनैतिक कार्य है? कौन सा कार्य? जितनी जल्दी उन परिवार इकट्ठा हो जाए बस मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी, इसके बाद तो काम की शुरुआत ही होगी। जय
होती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे नयाती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत नयाती। प्रेम से बोलो ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, अगर ये सब लोगों ने मान लिया होता अच्छा और सच्चा, अच्छाई और सच्चाई, तो आज ये हालात नहीं। ये धार्मिक भूमि है, ये मजहबी मुल्क है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत कर, ऐसे धर्म नहीं आता। कितने लोग कुर्बान हो जाते, कितनी माताएं की पूती हो जाती, कितने बहनों का स्वार मिल जाता, तब ये चीज सामने आके खड़ी होती। इतनी मुसीबत, इतना त्याग करने के बाद जो जो चीज मिली हो, हम आप उसको संभाल के रख नहीं पाए। करना कराना तो दूर है, रख नहीं पाए। अगर रख लेते तो आज ये हमारे आपकी हालत जो रोने की है, यानी ये इससे हम आप बच जाते। आपने तो बात को माना ही, मान लेते तो फिर कहना क्या था, आपका काम हो जाता। संत महापुरुष हमेशा जगाने का काम, जो हम भूल भ्रम की नींद में, अज्ञानता की नींद में सो जाते हैं, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में, तो उससे जगाने का काम, और जगाया है और जगाते ही है। क्या कहा है कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो का कह रहा है कि भगवान राम ने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ को। अपराध क्या था कि धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी। लोगों ने बड़ी सिफारिश की कि भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दिए, धोखे अपराध हो गया। भगवान राम ने कहा नहीं, मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैं बड़े विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता नहीं करता हूं। उन्होंने नहीं माफ किया। और यहां कलयुग का रामी महाप्रभु क्या कह रहा, अब तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों के गट्ठर को जो तुमने सिर पे रख रखा है उतार दो, आ गए हो पापों के गट्ठर को उतारने वाला। राम का इतिहास है, पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना है कुंभकर्ण का वध, उसको भी नहीं माफ किया। उसका अपराध क्या था, वो शराब पीता था, मांस खाता था। अगर प्रेमियों भगवान राम का सिद्धांत आज लागू कर दिया जाए, तुम समाज परिवार में रहने वाले कितने लोग बचोगे, तुम सब शराबी को भी हो रहे। तुमने भगवान राम का सिद्धांत नहीं, और कहते अपने को क्षत्रिय, क्षत्रिय राम का इतिहास पढ़िए। पर एक शराबी को जो शराब मांस का प्रयोग करता था कुंभकर्ण, उसका वध कर दिया।
जबकि रामचरित मानस प्रशंसा करती कि कुंभकर्ण सब नहीं बदलता, कुंभकर्ण से सवाल कोई धरती पर बलवान नहीं, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया और श्राप पिता था माफ किया। आज तुम सब लोग यही काम करते जो तुम्हारे कुल के पूजनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने क्षत्रियों का इतिहास कितना ऊंचा और उज्जवल किया, उसको मार करके उसका वध करके अन्यायी का जो स्त्रियों का अपहरण करे या मुर्गा अंडा और मांस शराब खाए पिए, ये सब इतिहास बता रहा कि भगवान राम ने उसको मार दिया। और तुम कहते हो भगवान राम हमारे कुल के, हमारे क्षत्रिय वंश के, और तुम क्षत्रियों का इतिहास खत्म, तुमने खत्म कर दिया, सब उल्टा कर रहे हो। जो उन्होंने किया और जिस काम कारण किया वही कारण आज तुम पैदा कर रहे हो। क्या तुम उसी सजा पाने के अधिकारी बनने की तैयारी में लगे, क्या कर रहे हो? तीसरी घटना है बाली का वध, ये राम के जीवन की घटना है। अगर इसको पढ़ लो समझ लो तो अपने मानव जीवन में ऐसी कोई घटना आप घटित नहीं होने दी, तब तो आप राम को मानते हो, लेकिन राम को मानते हो राम की नहीं मानते, रामायण को मानते हो रामायण की नहीं मानते, मंदिर को मानते हो मंदिर की नहीं मानते, तो तुम्हारे मानने का भी मतलब क्या हो गया? कुंभकर्ण का और उधर बाली का वध, सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को श्रृंगार के, एक को मित्र भाई को बना ले दूसरे का श्रृंगार कर, ये कौन सी नीति? ऐसे नहीं, उन्होंने संविधान बनाया, धारा बगैर धारा के सजा नहीं दी जाती, उन्होंने धारा बनाई। क्या कहा कि अनुज मधु भगनी सुत नारी और सुने सठये कन्या समचारी, इन्हें कुदरा टी मिलो के जोई और ताये बधे एक चुपा पहन होई। कितना साफ था तुम्हारे घर में रामचरित मानस, अब छत्री का इतिहास पढ़ लीजिए। ऐ छत्रियों तुमको तो अपने क्षत्रिय कुल की मर्यादा को कायम रखना चाहिए था और तुमने सब खत्म कर दिया। इतिहास क्या कह रहा और तुम क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हैं कि अनुज वधु भगनी सुत नारी और सुने सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदरा ऐसे काम करना कोई पाप है। जो नारी को बुरी दृष्टि डाल कर देखे और उसके चरित्र को खराब करने का अंदर में इच्छा व्यक्त करे, अगर ऐसे इंसान का वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं है, ये भगवान राम का सिद्धांत। क्या आप इसे मान सकते हो? तुम्हारी नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही गंदी हो जाती है, तुम्हारे विचार तुरंत गंदे हो जाते हैं, तो तुम सब सजा पाने के अधिकारी हो, फिर ये राम की पूजा कौन करेगा? सीताराम कहने से पूजा नहीं है, सीताराम कहने से माफी नहीं मिलेगी, सीताराम ने क्या कहा उसे करो तो आपको माफी मिल जाएगी, ये कहने से नहीं मिलेगी। तो सीताराम ने कहा क्या? कहा मुझे कौन पाएगा, ब्राह्मण पाएगा कि क्षत्रिय पाएगा कि वैश्य पाएगा कि अजय पाएगा, मंदिर बनाने वाला गंगा नहाने वाला तीर्थ व्रत करने वाला हमें पाएगा? भगवान राम ने कहा नहीं, ये कोई नहीं पाएगा। कौन पाएगा? कि निर्मल मन इचन सो मोहि पावे और मोहे छल छी द्रै कपट नाई पावे। क्या कह रहे भगवान राम कि जिसका मन निर्मल
पाक साफ पवित्र हो मुझको पाएगा। आप तो सबके मन के दे तो कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा। तुम्हारी पूजा व्यर्थ, तुम्हारा सीताराम कहना व्यर्थ, तुम्हारे दाली बार बढ़ाना व्यर्थ, छापा तिलक जिले चंदन मंदन ये ऊपर की सजावट दिखावट बनावट सब खत्म। क्योंकि वो कहते हैं मन अंदर में है, जब तक इसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होगा वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मोहे कपट चल छिद्र न भावा काय, और सब यही कर रहे, सब यही कर रहे, जिसके लिए मना ही वही तुम काम करते हो। और भगवान राम ने क्या कहा कि मेरा वास किसके हृदय में होगा, कहा ब्राह्मण के हृदय में कि क्षत्रिय के हृदय में, कहते नहीं। क्या लिखा है कि जाति पाति इधन धर्म बढ़ाई और कुल परिवार सुखद समुदाय इन्हें त्याग की भजे मन लाई और ताके ये बसे रघुराई। कितना साफ साफ लिखा चार पांच धन धर्म बनाई कुल परिवार सुख समुदाय इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा भगवान राम कहते मेरा वास उसके हृदय में होगा। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमान ये जात पात की खाई तुम्हारे सामने खड़ी है, इस खाई को तुम क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो तुम रामचरित मानस पढ़ते पढ़ते हो लेकिन करते अगर करने लगो तो तुम्हारे समझ में सवाल है कि मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसके पास बैठना किसकी बात मानना किसकी सुनना किसको छूना। छुआछूत तो ये बुरे खान पान गंदे और गंदे कर्म ये छुआछूत, ये छुआछूत सब अपनाए बैठे। और जात पात की जो पारंपरिक प्रेम प्यार मोहब्बत एक दूसरे के काम आने वाले ये जो व्यवस्था बनाई गई इसको आपने खत्म कर दिया। अब तुम परेशान हो, लगा उसमें परेशानी का कारण है नाम। भगवान राम ने दूसरा कानून क्या, अरे ये कानून पढ़िए तब तुम सीताराम के पुजारी माने, सीताराम कहने वाला सीताराम को प्राप्त नहीं करेंगे। जो सीताराम ने कहा वो करो तो तुम सब कुछ प्राप्त कर लो, कौन कहता नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसे नहीं जैसे क्या कह रहे कि जननी सामो जानो पर नारी और धन पर आए विष से भी सवारी। ये तो पूजा कठिन तुम्हारे, ये ऐसी तारा की पूजा कहते बड़ा स्त्री को अपनी माँ के समान मारो और पराया धन जहर का जहर जानो, ये दोनों का तुम्हारे बस के लिया जा तुम रात की पूजा नहीं कर सकते, पूजा करने का अधिकार आपको नहीं। तो असली बात तो ये है जब ये लिखा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करी सो तस पर जाखा। भगवान राम ने ये भी कहा कि मैंने कर्मों के आधार पर ये विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा उसको फल दूंगा। अपनी तरफ से कहते मैं कुछ नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूं ना मैं खत्म कर सकता हूं ना मैं बदल सकता हूं, मैं तो कर्मों का परिणाम दे सकता। कहा है उन्होंने रामचरितमानस में कि काल ने भी मैं इतिन कर भ्राता और सुबह हरे अशुभ कर्म फल दाता। का मैं महाकाल के रूप से इस काल नगरी में आया हूं, यानी व्यवस्था बदलने के व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो व्यवस्था ठीक करने में मैं चार नीतियां अपनाऊंगा साम दाम भेद और दंड। पहले समझाऊंगा मान जाओ अच्छी बात, फिर आपको लालच दूंगा अगर मान जाओगे तो राजा बन जाओगे धनी मानी बन जाओगे, ये
भी नहीं माने तो कहा देखो एना कश्यप नहीं माना तो मारा गया। रावण बलवान धनवान बुद्धिमान ब्राह्मण होते हुए उसका भी वध किया गया और कंस नहीं माना वो भी मारा गया। न मानने वाले का परिणाम आपने देखा विनाश, ये विनाश न मानने वाले का परिणाम। और आप भी वही काम करोगे तो आपके साथ क्या कोई दूसरा कर्म बने? वो कुदरत को क्या दे दिया गया वो यही कर्म बना दिया। देखो ये सब आपके साथ ही और कितने यानी 550 वर्ष गोस्वामी महाराज को गए रामचरित मानस को लिखे 550 वर्ष से तो रामचरित मानस आपको संदेश दे रही सुना रही अच्छे बुरे बाप पुरुष सुन माँ बहन बेटी बहु ये सब की पहचान करा रही। जब आपने उसकी भी बात नहीं मानी और 69 वर्ष से ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश आपको सुनाया जा रहा तुम्हारी रक्षा हिफाजत का वो भी आई। कितना समय लोगों का निकल गया समझाते समझाते ना आपने उनको जाना ना इनको माना इसलिए आपका भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। अब इसे प्रकाश में कौन ले आएगा? यही तो आपको विचार करना चाहिए। तो महापुरुषों ने जगाते हुए आवाज आज भी लगाई जाए कि नींद त्यागो जरा आंख खोलो नींद त्यागो जरा आंख खोलो कब तलक यूं ही सोते रहोगे कब तलक यूं ही सोते रहोगे पाप गठरी पटक दो जमी पर पाप गठरी बड़ी बात
महापुरुषों ने खोल के कहा कि सत्ययुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, 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 कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने ककीना इशारा, दुनिया वालो समझ लो इसे तुम, दुनिया वालो समझ लो इसे तुम, दुनिया वालो समझ लो इसे तुम, दुनिया काम बाकी है और उधर
तो काम करने के लिए कब तैयार हो? इसलिए खड़े हो जाओ, अब काम करने का समय, अभी भटकने का, भरमने का, इधर उधर भागने दौड़ने का समय नहीं। सब करके आपने देख लिया, कुछ आपके हाथ लगा, कुछ नहीं। जहां पूरा जीवन निकाल दिया वहां भी कुछ नहीं, जो तब नहीं मिला तो अब क्या मिला? लेकिन बात को तुम्हारा मन निर्णय नहीं ले पा रहा कि तब नहीं मिला तो अब कैसे जाएगा, और धीरे धीरे इसलिए मिले कि झूठी चाह में समय जा रहा। आज और कल सुबह शाम दोपहर एक कहते कहते पूरा जीवन गया। अरे तब नहीं मिला तो अब क्या? अभी जीवन जीना, हम लोग जीवन नहीं जान पाए कि जीवन किसे कहते हैं, फिर जीवन जीना किस तरह से हो ये भी नहीं जानते। और यही मुख्य जानकारी है कि पहले तो जीवन जानिए कि जीवन किस काम के लिए मिला और हम किसकी प्राप्ति के लिए जी रहे हैं। ये दोनों चीजें आपके समझ की बाहर है, इसीलिए आप भूल भरम में चले गए। लेकिन जब सत्संग वचनों को गहराई के साथ सुनोगे, समझोगे, जीवन में उतारोगे, तो सारी सच्चाई तुम्हारे हाथ में। फिर आपको सच्चाई के लिए किसी से पूछना मांगना नहीं पड़े, उसको आपके पास आ गया। लेकिन ऐसी विचारधारा तुम्हारी कब बनेगी? स्थिर प्रज्ञता तुम्हारे में कब आएगी? दृढ़ता मजबूती अपने विचारों में, अपने यानी काम में कब आप पैदा करेंगे? बात तो है, जरूरत तो इसी की। इसलिए कल का कार्यक्रम निश्चित भीड़ हो जाए तो निकलो, मुश्किल हो जाए, घंटों तो निकलने में लगते। 3 से 5 कार्यक्रम रखूंगा, इसके बाद आपसे मिल रहा हूं, मिल नहीं पाऊंगा तो आप शिकायत कर दू। कुटिया में इतनी जगह नहीं, हम सबको वहां मिला ले, बुला ले, आपसे मिल, इतने लोगों से एक बार की मिला भी नहीं जा सकता। तो व्यवस्था बना दी गई है बैरिकेटिंग, एक लाइन में पुरुष एक महिला, खड़े हो जाओ। मैं सब का दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा और सबको प्रसाद करूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं आप चले जाओ ये काम कोई, ये पहले भी किसी ने नहीं किया, आवाज भी नहीं कोई, आवाज कोई कर भी नहीं सकी। ये छोटा मोटा काम मैंने इस क्षेत्र में पहला परिचय कर आपको दिया कि मैं किस काम को करने के लिए आया हूं। मैं देने आया हूं, लेने नहीं आया। कल कितना दिया गया क्षेत्र में, कितना प्रसाद जो यहां कभी किसी ने किया नहीं। प्रसाद तो आपको किसी ने कभी दिया ही नहीं, तुम ही खरीद के ले जाते हो, पुजारी थोड़ा सा निकाल के उसी में से लौटा देता, डिब्बा रख देता। लेकिन अपनी तरफ से आज तक तुमको किसी ने प्रसाद दिया ही नहीं। एक नया काम आपके सामने, और मैंने पूरे हिंदुस्तान को प्रसाद, 9 वर्ष से मैं प्रसाद ही तो बांट रहा हूं। जब प्रसाद बटा तब तुम इतने लोग बच्चे दिखाई दे, तुम कहां चले जाते पता नहीं चलता तुम्हारा। ये प्रसाद है जो तुमको समय समय में बताता रहता है। मैं इसे पागलपन में थोड़ी प्रसाद बांट रहा हूं, होश में बांट रहा हूं, लोगों को दे रहा हूं। अब तुम वो भी नहीं ले पा रहे हो, वही मतलब यानी जल में रहे हो मछली की तरह और एक एक बूंद की तरह से। क्या तुम्हारा यहाँ आना, क्या यहाँ रहना? मैं प्रसाद बांटने निकला हूं तो मुझे शामिल में नहीं। ये शोभा यात्रा मतलब जानते हो क्या इसका? बस समझ लिया, भीड़ जा रही, लाइन जा रही। अरे शोभा यात्रा तुम्हारी वो यात्रा सफल हो, वो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए, जीवात्मा की शोभा तो असली वो। इसलिए ये चिराग बत्ती और जलाकर
ये शोभा यात्रा क्या किसी ने कभी निकाली है? विचार नहीं करते हो कि वो जगमग ज्योति है, उदय प्रकाश और उजाला है, उस देश में जाने की ये यात्रा हम तय कर रहे हैं, हमने शुरुआत की है, तो उसमें भी तुम शामिल नहीं होते, यही बैठे रहते हो, ये वो इसी में तुम्हारा सब समझना। तो कोई आदेश, कोई हुक्म, कोई वचन न पालन करते हो न जानते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है ये सब क्यों किया जा रहा, क्या जरूरत है इसकी निकालने की। लोग जो कभी नहीं चले उसे पूछो कि ये 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो पैदल महिलाएं चली है, इससे निकलती नहीं, इससे पूछो कोई थकावट है, कैसे कुछ पता नहीं चला, इतना चल रहा पता नहीं चला कैसे हो गया, वो एहसास करते करें, करने वाला ही एहसास करता, करने वाला ही पाता है, देखने वाले तमाश की कभी कुछ पाते नहीं, तमाशा देखते रहते, मैं तक नहीं जानता, तो तुम इस बात को समझते नहीं, ये सब यात्रा क्यों हो रही है, कौन सी यात्रा है, शुभ यात्रा, कौन सी शुभ यात्रा, कहाँ शुभ होगा, कब वो शुभ यात्रा हमारी शक्ति तय होगी, हम सब शुभ यात्रा करके अपनी इस मंजिल पर पहुंचेंगे, बात तो आपकी समझ में कुछ आती है, क्योंकि आप परमार्थी वचन सुनते नहीं हो, परमार्थी रास्ते की जानकारी आपको है नहीं, यही तुम्हारा झूठा अहंकार और रखकर यही तुमको सच्चे अच्छे काम को समझने नहीं दी, तो कल मैंने आपको परिचय दिया, कल प्रशासन ने देखा तो कहा तुम्हारी तो जरूरत है, ये समझ, जबकि हर जगह जरूरत जरूरत, सब जगह दंगा है, सब जगह लड़ाई है, सब जगह झगड़ा है, सब जगह अनुशासनहीनता, क्योंकि वहां स्वार्थ है, यहाँ परमार्थ अंतर ये, तुम परमार्थी रास्ते पर चलने वाले हो और परमार्थ की परिभाषा नहीं जानते, तो भी तुम कैसे चलोगे, चलने का लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा, तो कल आपको वो दिखाया, इसकी कोई नकल नहीं कर सकता हिंदुस्तान। दूसरा ये झंडा, सब पार्टियों के पास झंडा है, लेकिन क्या कोई झंडाकार की ये काम करा सकता, ये प्रेतात्मा उतर जाए, बीमारी कम हो जाए, ये झंडा वाला कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, ये दूसरा काम। तीसरा ये सत्संग, ये अध्यात्म की शुद्ध चर्चा, ये भी कोई नहीं करता, कहीं चले जाओ लेकिन अध्यात्म की शुद्ध चर्चा आपको कहीं नहीं। और चौथा, ग्रामवासियों को निमंत्रण होता है, ये भी काम किसी ने नहीं किया, सब जानते कि महात्मा निमंत्रण खाने जाता, दान दक्षिणा धोती रंगोटी ये सब मानता है, ये लोग जानते हैं, लेकिन हम उन महान आत्माओं की परिभाषा बताने आया हूं कि महान आत्माएं कभी भिखारी नहीं होती, दानदाता होती, वो देने आई है, लेने नहीं आई, ये भी काम उनको करके दिखता है। और आगे दो ही समस्याएं हैं इंसान की, रोटी और बेटी, पेट के लिए रोटी और इज्जत के लिए बेटी, अगर ये दोनों काम हो जाए और आपको करना ही क्या, मैंने दोनों बिंदु पकड़े, मैंने दोनों बिंदु पकड़े, कोई हिंदुस्तान में चाहे धार्मिक कोई मिशन हो चाहे राजनीतिक पार्टी हो, इन दोनों बिंदुओं से बहुत दूर खड़ी, ना कोई महात्मा ना कोई नेता, और मैं दोनों बिंदु पकड़े ही करके दिखाता हूं, उनको रोटी देता हूं जिनको ये निमंत्रण देने वाले जानते भी नहीं, तू निमंत्रण उन्हीं को देते हो जिनसे तुम्हारी पहचान, जिनके यहां तुमने खाया उन्हीं को खिलाते हो, लेकिन ये निमंत्रण कैसा जो देने जा रहे ये उनको नहीं जानते और खाने वाले इनको नहीं जानते, ये बीच का कैसा रास्ता है पहले इसको समझिए, हमारी दूरदर्शी यही व्यवस्था करेगी, सबको रोटी देगी, वो पूछेगी नहीं कि हम तुमको जानते नहीं करो तो रोटी नहीं देगी, हमारा परिचय नहीं समझे, ये नहीं होगा, सबको रोटी और सबकी बेटियों की रक्षा, ये तो मुखा है, अगर बेटी की सुरक्षा हो जाए तो फिर आपको और करना ही
किसी को इसकी जानकारी नहीं। मैं उन क्वारी कर्मियों को, ये मेरा पांचवा काम, पहला काम शोभा यात्रा, दूसरा सर्वरोग निवारक झंडा, तीसरा इन यहां ग्राम वासियों को निमंत्रण, और चौथा है बेटियों की रक्षा। बेटियों बेटियों को क्वारी कन्याओं को मैं आखिरी दिन इनको बुलाऊंगा, इनके गार्जियन से प्रार्थना करूंगा कि अपनी बड़ी बेटी को लेके आओ और कुटी के सामने लाइन से खड़ी हो जाए। इन क्वारी कन्याओं को मैं अपने हाथ से बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, जिससे इनके सतीत की रक्षा हो, इनके चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे क्या बनेगी, इनसे थ्रू प्रेरणा पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सच्चे सूरवीर और चरित्रवान ईमानदार पैदा हो तो देश समाज का काम हो जाएगा। यही दोनों चीजें हमारा मूल आधार ही है, और ये किसी के पास तुम कहीं चले जाओ ये काम किसी के पास, तो भला कौन ऐसा जो यहां नहीं आएगा। जब सबका काम हो जाएगा, सबकी व्यवस्था बन जाएगी, तो यहाँ कौन ऐसा जो आएगा नहीं, जो आएगा सबका काम होगा। ये किसी एक जाति, एक मजे धर्म, एक व्यक्ति विशेष, एक देश प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए और सारे विश्व के लिए। रामकृष्ण ने देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी का विश्व परिवर्तन किया। छोटा मोटा काम नहीं, तो सत्संग प्रेमियों कल से प्रारंभ करूंगा, आप समय से पहले। मैं तो गैर समय का बहुत पाबंद हूँ, 3 बजे मैं प्रार्थना हो जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में अब ये भीड़ बढ़ेगी तो रास्ते में सब घेर लेते, निकलना मुश्किल हो जाए। अभी पीली भीत में काट कर हुआ दीपावली का, देखो जिले के भीड़ इससे 4 गुना भीड़ थी, जितने तुम लोग हो इससे 4 गुना भीड़। हमको मंच तक जाने में 2 घंटे, 20-25 कदम मुश्किल से होगा, वो रास्ता तय करने में हमको 2 घंटे। इतना प्रेमी उमड़ा, लोग देख के हैरत रह गए, ये क्या, हमने इन्हीं से पूछो इनको क्या इच्छा, इनकी क्या, या क्या लेने आए, क्या इच्छा रख के यहाँ आए। मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं कुछ मानता भी नहीं, लेकिन ये क्यों, ये ऐसे पैसा फेंक दो, ऐसे उठाना मुश्किल था। कोई कह लाओ लो हमको दे दो, कहते नहीं, ये किसी को दे भी नहीं, एक पैसा किसी ये सब जान गए 3 दिन में, क्योंकि सारे लोगों ने खरेंद्र इनके साथ किया। मैंने जब अभियान जारी किया, मैंने यही कहा था कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं, आप कृपा करके मेहरबानी करना, कोई योजना किसी तरह की यहाँ मत, चुपचाप लगे रहो, तुम्हारा काम हो जाए, तुमको अपने काम से मतलब होना चाहिए। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव।
जिन युगों में जो नाम जगाए गए उन नामों ने जो काम नहीं किया वो काम ये कलयुग का लगाया, ये जो प्रभु का नाम ये सब काम करके दिखाए। नाम से ही काम होता, केवल हमें आपको निमिष मात्र अपनी जगह पर खड़े रहे, हम खड़े भी नहीं रह पाते, इधर उधर हटने लगने लगते, उसी में निशाना आपका छूट जाता है। निशाना छूट जाएगा आप परेशान हो जाओ। बात को समझने का प्रयास करो, जो भी कहा जाए वो सुनना ही काफी नहीं, उसे अपने मन को पकड़ाओ और विचार करो कि हमें करना क्या और क्या करके अभी तक किया जीवन में, तो जीवन को क्या मिला, अब से जीवन बाकी है उसमें कुछ कर ले शायद बन जाए। बात तो यहां पर आपको समझनी चाहिए। इसलिए अब मैं आप सबके दर्शन के लिए उन्होंने नीचे व्यवस्था बनाई है, वहां बैठ जाऊं, वैसे दर्शन तो यहीं से कर रहा हूं और प्रणाम भी आप जो सबको प्रणाम करता हूं सबसे छोटा, वो गुरु कैसे बनेगा, सदगुरु कैसे संत, ये बनेगा उसके पास समय था। जो काम करने आया है वो बनने बनाने की बात नहीं करता, ना वो बनता है ना उसको बनने की जरूरत, उसको अपने बनने की जरूरत नहीं, उसको सबका काम बने उसकी जरूरत। सबका काम बनाने आया तुम यहां बनने बनाने की बात करते, तुम बाकी नहीं समझ पाते। ये तो काम का समय है, हमें काम से फुर्सत नहीं, तुम यहां बनने की बात करते। मैंने कहा मैं तो कभी नहीं कुछ बना, ना कोई बनने की इच्छा है, जब यहां रहने की इच्छा नहीं तो बनेगा कौन? अरे भाई जिसको यहाँ रहना हो वो अपना बने, यहाँ तो जल्दी काम करो पर घर को छोड़े। जब संदेश घर चलने का है तो यहाँ बनने बनाने की बात क्यों सोचते, ऐसा तो कभी कुछ तो बात तो काम करनी। जो काम करने आए उनको काम से फुर्सत नहीं, और तुमने जिनको आज तक बनाया उन्होंने तुम्हारा कौन सा काम बनाया, जिनको तुमने चंदा नोट पोट सब कुछ एक के बनाते हो और महंगाई गरीबी भी झेलते हो, टैक्सों की भरमार मार भी खाते हो, ये सब कुछ करके आपने जिनको बनाया उन्होंने तुम्हारा काम बनाया, फिर यहाँ बनने बनाने की बात क्या, यहाँ करने कराने की बात सुनो और करो, सब उसी में लग जाओ करने कराने। अरे बन तो जाएगा ही, नाम तो जब होगा जब तुम्हारा काम हो जाएगा, बाद में उसका नाम रखते नाम का गुणान बात करते, ये तो बात का विषय है, लेकिन जब तक कोई काम करता है उसको कोई नहीं मानता, कोई जानता नहीं कोई पहचानता नहीं कोई मानता नहीं, लेकिन जब काम हो जाता तब तरह तरह की, अरे वो भगवान थे वो ये थे शक्ति थी वो महाशक्ति थी, ये सब बात में शोर मचा भाई उससे क्या होने वाला। अगर काम के साथ जुड़कर अपना काम बना लेते तो तुम सबसे बड़े बुद्धिमान कहलाते, वो तो काम आप करते। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, आपको प्रसाद, ये तीनों काम कहीं नहीं, इस प्रसाद को संभाल के रखिए। एक और प्रसाद आपको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य की जमीन में जो प्रेमियों ने अपने परिश्रम जो तो गन्ना पैदा वो सर्व लोग निवारण करना यहाँ आया हुआ उसको जरूर चूस, पेट की समस्त बीमारी तुम्हारी चल गई, सुबह सूरज निकलते बस उसको चूसना शुरू करिया, और जो सेवा देंगे वो नैमिषारण्य में लग जाए और गन्ना तुम्हारी बीमारी दूर कर देगा। दो लाभ है, गन्ना चूसने से बीमारी और जो सेवा आपने दी वो नैमिषारण्य में लग जाए, तो आपका तो
लोग बड़ लोग दोनों बनने की बात सोची जा रही है। शरीर का रंग सुधारो और जीवात्मा के उद्धार का कोई ना कोई रास्ता निकालो। बात हमेशा सुधर तो गन्ना हो रखा आप उसको ले ले और फिर से आओ। अरे बाघ का यात्रा नहीं, बाघ का बहुत बुरा है और ये कम मीठा जिसे शुगर होने की कोई संभावना नहीं। ये शुगर को भी मारता देखिए पहले इसमें कितने गुण है। आप गुण को गुण ग्राही बनो लेकिन तुम अवगुण ग्राही बन जाते हो। अवगुण फट से पकड़ने लगते हो देखने लगते। अरे गुण ग्राही बनो। जय लोग ये देखेंगे कैसी भीड़ है। वो कह रहे लहर आ रही है। मैंने कहा लहर नहीं आ रही, बाहर आ रही, बाहर आ रही है। तो अज्ञानी लहर होता है, ज्ञानी उसको बाहर। खुशी की बाहर एक खुशी की लहर, एक मानवता इंसानियत की लहर ये पैदा हो रही। वो बेचारे उसी में उतर घूमने पड़े। लहराई लहराई अन्य तुम केवल कह सकते हो, तुम लहर को हटा नहीं सकते। ये हटाने का काम महापुरुषों का सारा विज्ञान तुम्हारा ये बता रहा। आंधी आ रही, तूफान आ रही, ये हो रही, ये होगा, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि हम इसको खत्म कर दें। ये सत महापुरुष कहते हैं ये कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरी बात मान लो तो ये कुछ नहीं होगा। जो होने वाला होगा उसको भी रोक दिया जाएगा। अगर आप शाकाहारी बनो, हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं देशवासियों से कि आप शाकाहारी हो जाइए और ये कुछ नहीं होगा। कुदरत कोई प्रकोप नहीं करेगी, लेकिन अगर कुदरत के बरखिलाफ करोगे, कुदरत के बनाए जीवों की निर्दोष निर्मम हत्या करोगे तो कुदरत सब कुछ करेगी और सब कुछ करेगी। जय कुदरत। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन क्योंकि ताकि शिकायत न रह जाए भाई मिल नहीं पाए, मिल नहीं पाए। मिल तो हो ही रहा लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं करते। पास से देख लू छू लू असली है नकली है कौन है क्या है तो मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा, बैठूंगा सब चीज सब सामने आपके। यहाँ कोई बनावट का काम, कोई दिखावट सजावट का कोई काम, जो ऐसा एकदम पर्दा था ऐसा काम हम करते ही नहीं। अगर करते होते तो ये जल सैलाब जंगल में नहीं आता। पहले आप इसको देखिए, कल की यात्रा देखी लोगों ने आश्चर्य कितना किलोमीटर, ये कोई गिन नहीं सकता। पत्रकार मीडिया सब थे, कोई नहीं इसको समझ पाया ये सब क्या, पूछा ये क्या है। हमने कहा ये वो है जो तुम जानते ही नहीं, जो तुम जानते नहीं हो। अगर हम कह दें तो तुम मानते नहीं हो, तो तुम्हारे सामने कहें क्या। हम करके दिखाएंगे, हम कहें करेंगे, हम तो करेंगे, कहना ही नहीं का भी करके दिखाएंगे। जय गुरुदेव। रघु प्रेमी कितने उत्साह से इस पावन पुण्य तिथि को मनाते हैं क्योंकि ये भंडार हमें आपको मिलता नहीं अगर उनकी दया न। कमाने वाले की दया और बाद में लुटाने वाले की, ये दोनों की दया अगर नहीं होती इस भंडार को हम लोग प्राप्त नहीं करते। इसलिए प्रेमी बड़े हर्षोल्लास के साथ
मना रहे हो, मनाना चाहिए। इससे बड़ी और खुशहाली कौन सी जो हमारे जीवन को असली जगह जिसके काम के लिए मिला वो काम पूरा करा दे, तो इससे बड़ी खुशहाली कौन से उन दो महापुरुषों की यादगार की खुशहाली है। सबको बड़े प्रेम के साथ इतना सामंसरिक होना चाहिए और जितना कर सको उतना करो। मेरी तरफ से कोई पाबंदी कोई कर सकते हो करिए, नहीं कर सकते कोई बात, हम जो काम करने आए हो तो हम करेंगे, अभी से अभी नहीं, अभी तक करते आ रहे अभी करेंगे आगे करते रहे, ये कोई बंद होने वाला अभियान नहीं। जय गुरुदेव। लोगों ने पूछा भाई ये कब तक करोगे, हमने कहा तुम जब तक नहीं ठीक होगे तब तक तुम कभी ठीक हो जाओ करिए, हम करना मन ठीक तो हो जाओ, तुमको ठीक करने के लिए तो दवा दी जा रही और बीमारी जाती क्यों नहीं कि बात परहेजी करती हो, हमारे बात परहेज नहीं। परहेज क्या है, श्रद्धा सेवा विश्वास ये आप रखते नहीं तभी आप बढ़ जाते हो, तो काम अपना बिगाड़ो किसी का नहीं। जितने दिन अनुपस्थिति सत्संग में आपके रहेगी उतना अपना नुकसान कर रहे हो, पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे लिए लाभकारी हो जाए और किस वचन को सुनकर तुम बच जाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज, तो धारा है जो समय से आ रही है। ये कोई अरे मतलब किताब किताब होती होती थोड़ी बात ही जाती है। मैं आपके कार्यक्रम पर हेलो आज तो उसका उद्घाटन किया ये सत्संग का उद्घाटन, धीरे धीरे देखना कितनी भीड़ हो जाती, तो मिलने का कोई तरीका निकालूंगा दूसरा, तो सबसे मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाए, इतनी बड़ी भीड़ में तो कोई ना कोई तरीका सरल निकालूंगा, क्योंकि मिलना तो आपके लिए जरूरी है। बात क्योंकि बड़ी मुश्किल से, एक तो पहली बात हम आपको बुला लेते, अगर किसी स्थित परिस्थित में आपको देखता हूं तो चल के मिल लेता, यहाँ के प्रेमी नहीं पहुंच पा रहे थे, जो बेचारे गरीब है समय नहीं है नहीं जा पाते थे नैमिषारण्य, तो मैंने कहा चलो कोई ना कोई बहाना, सद्गुरु तेरे मिलने का सत्संग एक बहाना आपके सामने खड़ा कर दिया गया और एक ही जगह पर सबसे मिल गया, कहीं भगने दौड़ने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह पर सबको बुलाकर मिल लिया और सबके कर्मों का आदान प्रदान, ये सबसे बड़ी चीज, ये कोई नहीं कर सकता। आपका जिनसे लेन देन उनके उनके उनको ही बुलावा आता है, वही बुलाई जाती है उन्हीं को, यानी यहाँ लाया गया है जिनसे आपका लेन देन होना, वो सब एक सप्ताह में कितने जन्मों का पूरा हो जाएगा, इससे बड़ा कौन सा, ये सब मतलब यानी जानकारी में आपके नहीं, ये अदृश्य व्यवस्था है कर्मों के लेन देन की, लेकिन कोई ना कोई राज जरूर रखा है, आपका काम हो जाए आपकी व्यवस्था ठीक हो जाए आपके पिछले कर्मों का लेन देन पूरा हो जाए, तो कोई ना कोई उसके लिए आधार बनाया जाए, आधार केवल सत्संग ही है, यही एक सच्चा और पक्का आधार है और इसी से आपका सारा काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव।
गया। ये देख लिया खा लेना।